हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन पोर्टल ऑफ द इंजीनियर्स। आज स्टूडेंट्स ऑपरेशनल एम्पलीफायर की लेक्चर सीरीज पर मैं लेक्चर नंबर 21 स्टार्ट करने जा रहा हूं। आज का टॉपिक इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि निगेटिव फीडबैक हमने पढ़ा है, पॉजिटिव फीडबैक पर कुछ बेसिक क्वेश्चंस देखे हैं, लेकिन आज हम इसमें एक बेसिक कंपेरिजन करने जा रहे हैं क्लोज लूप सिस्टम पर कि निगेटिव फीडबैक और पॉजिटिव फीडबैक में क्या कंपेरिजन बनता है। इसके बाद सेंसिटिविटी फैक्टर, डिसेंसिटिविटी फैक्टर, इसके इफेक्ट्स हम लोग डिस्कस करेंगे वन बाय वन। इसका डिस्कशन करने के लिए सबसे पहली रिक्वायरमेंट है आखिर निगेटिव फीडबैक पर गेन कितना बनता है, ताकि हम लोग कंपेरिजन कर पाए गेन का, बैंडविड्थ का, स्टेबिलिटी का, डिस्टॉर्शंस का, नॉइज का, ये सारे फैक्टर्स वन बाय वन हमें डिस्कस करने हैं, राइट। तो कंपेरिजन करने के लिए सबसे पहले जो मैं टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूं, यहां थोड़ा सा मैं 5 मिनट पहले डेरिवेशन कराऊंगा। इस एक डेरिवेशन को आप समझ भी लें क्योंकि कंट्रोल सिस्टम में ये डेरिवेशन यूज होता है, बट मेरी एनालॉग में भी यहां रिक्वायरमेंट है। तो एक पहला छोटा सा डेरिवेशन आप देखेंगे और ये स्टूडेंट्स मेरा प्रॉमिस है आप यहां पर टॉपिक को फील करेंगे जैसे ही हम पॉजिटिव फीडबैक पर स्टार्टअप लेंगे। निगेटिव और पॉजिटिव दोनों के बारे में एक बेसिक इंफॉर्मेशन का लेआउट यहां से बनेगा। एग्जाम के जितने भी छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है इस चैप्टर से बहुत ज्यादा आस्क होते हैं। आज जो हम टेबल बनाएंगे वो टेबल भी वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टेबल होगी। तो एक एक करके मैं चीजें स्टार्ट करता हूं। फर्स्ट गिव द हेडिंग निगेटिव फीडबैक। निगेटिव फीडबैक, देखो निगेटिव फीडबैक कॉन्फ़िगरेशन की अगर मैं बात करूं तो निगेटिव फीडबैक कॉन्फ़िगरेशन पर निगेटिव फीडबैक कॉन्फ़िगरेशन पर क्या क्या बातें होती है समझना। सबसे पहले आपके पास एक एक्चुअल सिग्नल है, सॉरी एक इनपुट सिग्नल है यहां पर, से दिस इज एक्स ऑफ आई, ये एज ए इनपुट गया। इनपुट स्टेज पर एक मिक्सर आपने लगा रखा है स्टूडेंट्स और एक एम्पलीफायर है जिसका गेन ए है, एक एम्पलीफायर है जिसका गेन ए है, राइट। आउटपुट को हम एक्स नॉट से दिखा रहे हैं, ये सारी बातें अभी मैं लिखूंगा। ये जनरल एम्पलीफायर है विदाउट फीडबैक, फीडबैक देने के लिए हमने यहां मिक्सर दिखाया है और नीचे आपने फीडबैक जो नेटवर्क लिया है उसका फीडबैक रेशियो बीटा लिया है, राइट, उसका फीडबैक रेशियो बीटा लिया है और इसको मिक्सर पे कनेक्ट कर दिया, राइट। अब जरा चीजों को आप समझेंगे, एक्साई आपके पास इनपुट सिग्नल है, मैं यहां लिख रहा हूं कुछ बातें, केवल एक छोटा सा डेरिवेशन है स्टूडेंट्स सो दैट आपको चीजें क्लियर रहें। एक्साई का मतलब है इनपुट सिग्नल। नेक्स्ट अगर मैं एक्स नॉट की बात करूं तो ये आपके पास आउटपुट सिग्नल है, आउटपुट सिग्नल है, राइट। फिर जिस आउटपुट के पार्ट को सम पार्ट ऑफ आउटपुट फीडबैक कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ बीटा, तो ये जो हम आउटपुट का कुछ पार्ट फीडबैक के थ्रू ला रहे हैं तो इसका मतलब इस बीटा से पास होकर जो सिग्नल निकलेगा स्टूडेंट्स, राइट, इसको हम बोल सकते हैं एक्स ऑफ एफ। एक्स ऑफ एफ का मतलब है फीडबैक सिग्नल। एक्स का मतलब हर जगह मैं सिग्नल ले रहा हूं, आई का मतलब था इनपुट, ओ का मतलब था आउटपुट, एफ का मतलब है फीडबैक, राइट। तो ये बात हो गई फीडबैक सिग्नल की। अब अगर मैं कहूं कि ऑप, ये जो ऑप एम होगा या ट्रांजिस्टर होगा या फेट होगा, ये जो बेसिक एम्पलीफायर है, ये बेसिक एम्पलीफायर का इनपुट क्या है, तो इस पर इनपुट यहां से अप्लाई हो रहा है ना कि दिस, ये वाला जो इनपुट है स्टूडेंट्स ये तो पूरे का इनपुट है, राइट। तो ए पर जो इनपुट बनेगा मैं उसको भी डिस्क्राइब कर देता हूं और इसको समझने के लिए हमने कुछ एक्स ऑफ आई डैश मान लिया। एक्स आई डैश का मतलब है एक्चुअल इनपुट
एक्चुअल इनपुट टू बेसिक एम्पलीफायर. बेसिक एम्पलीफायर, बेसिक एम्पलीफायर का मतलब है जो विदाउट फीडबैक है, राइट. तो देखो मैंने चार बातें क्या लिखी, थोड़ा सा स्टूडेंट टाइम देना है अभी आपको. एक्स आई का मतलब इनपुट सिग्नल, एक्स का मतलब सिग्नल है, आई का मतलब इनपुट. तो आपने जो इनपुट भेजा है वो क्या है, एक्स आई. फिर एक्स नॉट का मतलब है जो आउटपुट पर आपको प्राप्त हो रहा है सिग्नल, दैट इज कॉल्ड एक्स नॉट. एक्स एफ का मतलब है जो फीडबैक सिग्नल बन रहा है जो बीटा से पास होकर आएगा. ये अपना कोई फीडबैक नेटवर्क होगा जिसके अंदर कुछ पैसिव कंपोनेंट आर एन सी लगे होंगे जिसकी हेल्प से हमारे पास एक्स एफ सिग्नल बनेगा. और एक्स आई डैश का मतलब है जो इस मिक्सर से पास होकर यहां इनपुट बन रहा होगा, दैट इज कॉल्ड एक्चुअल इनपुट. किसके लिए, इस बेसिक एम्पलीफायर के लिए. तो मैंने कहीं लिखा होगा एक्चुअल इनपुट टू द बेसिक एम्पलीफायर. तो स्टूडेंट्स ये बेसिक इंफॉर्मेशन है. अब आप देखो आप फीडबैक सिस्टम कैसा ले रहे हो, आप फीडबैक सिस्टम ले रहे हो निगेटिव फीडबैक. तो मैंने यहां साइन कैसा दिखाया है, माइनस. अब आप एक एक करके तीन गेन फैक्टर्स को समझेंगे, राइट. एक एक करके तीन गेन फैक्टर को अब आपको अंडरस्टैंड करना है. नाउ लुक, सबसे पहले मान लीजिए मैं बात केवल इस एम्पलीफायर की कर रहा होता. जब भी स्टूडेंट्स हम बात करें तो आप ये सब जानते हो कि फीडबैक तो बाद में आया होगा, पहले तो हमने बेसिक एम्पलीफायर लिया होगा, राइट. तो देखिए अगर आप से मैं बेसिक एम्पलीफायर की बात करूं, राइट, यहां चार इक्वेशंस मेरे को बनानी है. एक एक करके चारों इक्वेशंस को आप समझेंगे. बेसिक एम्पलीफायर का गेन ए है, राइट, और इसका आउटपुट कितना है, एक्स नॉट, राइट. अच्छा, ए का जो आउटपुट है वो एक्स नॉट है, लेकिन ए पर जो इनपुट बन रहा है वो एक्स आई डैश है, ना कि एक्स आई. ए पर जो इनपुट बन रहा है वो एक्स आई डैश है. इसका मतलब ए का जो इनपुट है इसको हम एक्स आई डैश लिख सकते हैं. ए का मतलब है, ध्यान देना स्टूडेंट्स, ए का मतलब है ओपन लूप गेन. ए का मतलब देखो यहां पर अभी क्या मैंने कोई फीडबैक लगा रखा है क्या इस पर, नहीं. ये सिंपल सी मैं बात कर रहा हूं कि अगर विदाउट फीडबैक की मैं बात करूं, दैट इज ए, इसको हम बोल सकते हैं ओपन लूप गेन. और इसी को स्टूडेंट्स हम बोल सकते हैं गेन विदाउट फीडबैक. गेन विदाउट फीडबैक. आप मेरे साथ जो चीजें मैं स्टूडेंट्स बता रहा हूं एक एक करके समझते हुए चलेंगे. एक बात सोचो, अगर मैं आपसे पूछूं कि गेन की वैल्यू क्या है, तो गेन का मतलब होता है आउटपुट अपॉन इनपुट. यस, तो आउटपुट अपॉन इनपुट पर आउटपुट की वैल्यू आपको दिखाई दे रही है एक्स नॉट, इनपुट की वैल्यू दिखाई दे रही है एक्स आई डैश. इसका मतलब आउटपुट पर वैल्यू है एक्स नॉट, इनपुट पर वैल्यू है एक्स आई डैश. यहां से अगर मैं आपसे पूछूं कि एक्स नॉट की वैल्यू क्या बनेगी, देखो पहले तो यह पता होना चाहिए गेन का मतलब. गेन का मतलब है, ऊपर वाले फिगर में भी आप देख सकते हो, आउटपुट अपॉन इनपुट, और ए पर जो एक्चुअल इनपुट बन रहा है वो क्या है, एक्स आई डैश. तो समझाने के लिए मैंने इसको अलग से बना दिया. ए पर इनपुट था एक्स आई डैश, आउटपुट था एक्स नॉट. अब अगर मैं लिखना चाहता हूं एक्स नॉट की वैल्यू, तो आप देख सकते हैं एक्स नॉट बराबर क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो वैल्यू आ गई ए इंटू एक्स आई डैश. ये अपने पास फर्स्ट इक्वेशन बनी, ठीक है, ये अपने पास पहली इक्वेशन बनी स्टूडेंट्स. दूसरी बात जरा देखो, अगर मैं इस बीटा की बात करूं, देखो आपको समझाने के लिए मैं यहां पर भी इसका सेपरेट वर्जन बना लेता हूं. बीटा पर देखो स्टूडेंट्स, ये जो बीटा है ये फीडबैक नेटवर्क है, और फीडबैक नेटवर्क का ये रेशियो है. फीडबैक नेटवर्क में इनपुट क्या है आप समझना. बीटा वाला ये जो फीडबैक नेटवर्क है इस पर एक्स नॉट एज ए इनपुट है, बी क्लियर. हमें ऐसा लगता है एक्स नॉट तो आउटपुट है, यस एक्स नॉट आउटपुट है ए का, लेकिन यही एक्स नॉट वापस फीडबैक किया जा रहा है, राइट. तो अगर एक्स नॉट बीटा पर जा रहा है इसका मतलब ये फीडबैक नेटवर्क में एक्स नॉट एज ए इनपुट काम करेगा, और
इस बीटा से जो मॉडिफाइड सिग्नल बनकर जा रहा है वो क्या है, एक्सएफ। तो इसका मतलब यहां पर जो वैल्यू आएगी दैट इज कॉल्ड एक्सएफ। तो अगर मैं आपसे पूछूं, मैं यहां पर मेंशन भी कर रहा हूं पिछले केस में एक्स नॉट क्या था, तो एक्स नॉट था अपने पास आउटपुट, और एक्स आई डैश कैसा बिहेव कर रहा था, लाइक इनपुट। इसी तरह अब मैं यहां आपसे पूछूं कि यहां क्या आउटपुट दिख रहा है, तो बीटा पर फीडबैक नेटवर्क में इनपुट क्या जा रहा है स्टूडेंट्स, एक्स नॉट। ये एक्स नॉट एज ए इनपुट है, गेटिंग, और इस बीटा का आउटपुट क्या बन रहा है, एक्स एफ। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं इस समय, इसका आउटपुट। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इस फीडबैक नेटवर्क का रेशियो कितना है आउटपुट अपॉन इनपुट, तो मैं बोल सकता हूं फीडबैक रेशियो बीटा, फीडबैक रेशियो बीटा बराबर। अब देखो फीडबैक रेशियो में बीटा का मतलब आउटपुट अपॉन इनपुट, आउटपुट वैल्यू क्या है, सी दिस इज एक्स ऑफ एफ डिवाइड बाई इनपुट वैल्यू क्या है, एक्स नॉट। माय डियर स्टूडेंट्स, यहां से भी आप इस एक्स ऑफ एफ की वैल्यू लिख सकते हैं, तो एक्स ऑफ एफ की वैल्यू क्या आ जाएगी, बीटा इंटू एक्स नॉट। देखो मैं तीनों चारों इक्वेशंस को सेपरेट सेपरेट करके दिखा रहा हूं ताकि आपको विजिबिलिटी बढ़े, आपको चीजें प्रॉपर वे में क्लियर हो। तो ये आपके पास दूसरी इक्वेशन हो गई, कुछ नया नहीं किया अभी तक आपने, केवल और केवल पहले सेपरेट ए के लिए आउटपुट अपॉन इनपुट लिखा, फिर बीटा के लिए आउटपुट अपॉन इनपुट लिखा। अब देखो ये जो मैं पूरा वर्जन देख रहा हूं स्टूडेंट्स, देखो ए का मतलब था विदाउट फीडबैक, बीटा का मतलब फीडबैक, राइट, नेटवर्क पर क्या रेशियो बना। अब मैं आपसे क्या बोल रहा हूं कि यहां पर अगर मैं बात करूं कि पूरा ये जो पूरा सिस्टम बना, इस पूरे सिस्टम का गेन क्या होगा, माय डियर स्टूडेंट्स, क्या पूरे सिस्टम की अगर मैं बात करूं तो इस पर फीडबैक सिस्टम हो गया, क्लोज लूप सिस्टम हो गया, और फीडबैक भी कैसा, निगेटिव। तो अगर मैं क्लोज लूप सिस्टम की बात करूं तो आप बोल सकते हैं इस समय जो मैं बात कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं क्लोज लूप गेन की। ध्यान दें स्टूडेंट्स, मैं इस पर बात कर रहा हूं क्लोज्ड लूप गेन, क्लोज लूप गेन को हम बोलते हैं ए एफ, अदरवाइज इसी को हम बोलते हैं गेन विद फीडबैक, गेन विद फीडबैक। अब मेरी बात समझना, अगर मैं बोल रहा हूं क्लोज लूप गेन ए एफ या गेन विद फीडबैक इसी को बोलते हैं, तो ए एफ का मतलब क्या है पूरे सिस्टम के लिए बताओ स्टूडेंट्स, देखकर बोर्ड पर देखो, ए एफ का मतलब है इस पूरे सिस्टम का आउटपुट क्या है, एक्स नॉट। इस पूरे सिस्टम का, देखो एक तरीका तो यह है इस फिगर को फिर से बनाऊं, मैं फिर से ना बनाकर डायरेक्ट लिख रहा हूं आप समझेंगे, इस पूरे सिस्टम का इस समय एक्स नॉट क्या है, एज ए आउटपुट, ठीक है, और एक्स आई क्या है, एज ए इनपुट। इसका मतलब मैं बोल सकता हूं ए ऑफ एफ का मतलब रेशियो ऑफ आउटपुट टू द इनपुट, तो आउटपुट दिस है और पूरे सिस्टम का इनपुट क्या है, एक्स आई, ना कि एक्स आई डैश, बी क्लियर। तो ए ऑफ एफ का मतलब है एक्स नॉट अपॉन एक्स आई। तो स्टूडेंट्स ये अपने पास थर्ड है इक्वेशन, और मुझे इसी को पता करना है। एक्चुअल में जो मुझे पता करना था, ये जो मैं डेरिवेशन कर रहा हूं, मेरा मोटो है इस गेन विद फीडबैक की वैल्यू निकालना, फीडबैक एम्पलीफायर में आंसर क्या बनेगा, राइट, ए और बीटा के टर्म्स में। तो इसके लिए अभी तक हमने एक इक्वेशन फर्स्ट बनाई, फिर एक इक्वेशन सेकंड बनाई, अब मैं आपको एक फोर्थ इक्वेशन दे रहा हूं। फोर्थ इक्वेशन कहां से बना रहा हूं, मिक्सर के एंड से। देखिए फिगर को जरा समझेंगे सभी सभी स्टूडेंट्स, बोर्ड पर फिगर को अंडरस्टैंड करें। देखिए स्टूडेंट्स, यहां आपने एज ए इनपुट एक्स ऑफ आई को भेजा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये एक मिक्सर है, ठीक है, मिक्सर में साइन है निगेटिव, यहां से जो सिग्नल आ रहा है माय डियर वो है एक्स ऑफ एफ,
वो सिग्नल है एक्स ऑफ एफ, ठीक है, ये सिग्नल एक्स ऑफ एफ है, ठीक है, यहां से जो इनपुट सिग्नल गया वो एक्स आई, यहां से जो फीडबैक से आ रहा है वो एक्स ऑफ एफ, मैं पूरा फिगर नहीं बना रहा, और यहां से जो सिग्नल जा रहा है एम्पलीफायर पर उस सिग्नल की वैल्यू है एक्स आई डैश। देखो इधर इस फिगर को पर देखो जरा, एक्स आई इनपुट था, यहां से जो सिग्नल आ रहा है वो एक्स एफ है और जो जा रहा है बाहर वो एक्स आई डैश है। तो बताओ जरा मुझे इस मिक्सर पर ये एक्चुअल में किसका सिंबल है, मिक्सर का, जहां सिग्नल मिक्स हो रहे हैं। तो देखो एक्स आई तो डायरेक्ट आ रहा है लेकिन जो एक्स एफ है वो माइनस साइन के साथ आ रहा है और बाहर बन क्या रहा है रिजल्टिंग सिग्नल एक्स आई डैश। तो मैं बोल सकता हूं एट मिक्सर, एट मिक्सर एक्चुअल, एट मिक्सर या ऐसा लिखें एट मिक्सर एक्स आई डैश एक्चुअल इनपुट सिग्नल जो था एक्स आई डैश क्या बन रहा है, एक्स आई तो जुड़ रहा है और ये एक्स एफ माइनस हो रहा है, सो वी कैन से एक्स आई माइनस एक्स एफ। ये स्टूडेंट्स आपके पास इस समय जो इक्वेशन आई है ये है फोर्थ इक्वेशन। अब जरा समझना, मेरी रिक्वायरमेंट है एक्स नॉट और एक्स आई, बाकी एक्स एफ एक्स आई डैश ये सब मुझे हटाने हैं, राइट, ये मेरा मोटो है। तो जरा समझें एक्स आई डैश बराबर एक्स आई है माइनस एक्स एफ। तो अगर मैं इक्वेशन सेकंड से, मैं ये ब्लू कलर से दिखा रहा हूं आपको, आपको यहां से अंडरस्टैंड करना होगा, ब्लू कलर से अगर आप देखें तो मैंने क्या किया, मैंने स्टूडेंट्स यहां से मैं लिख भी देता हूं, पुट वैल्यू ऑफ एक्स एफ फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। तो देखो क्या आया, एक्स आई डैश बराबर एक्स आई माइनस एक्स एफ का मान कितना था, बीटा इंटू एक्स नॉट, ठीक है, एक तो ये डाटा आ गया। लेकिन मैंने आपसे फिर बोला मेरी अभी जो रिक्वायरमेंट है वो कंप्लीट नहीं हो रही, मुझे इस एक्स आई डैश को एलिमिनेट करना है। तो देखो एक डाटा और क्या हो सकता है, आपने एक रिलेशन एक्स नॉट का यहां भी लिखा था, मैं फिर से ब्लू कलर से ही दिखा रहा हूं स्टूडेंट्स, आप सभी समझना, अब मैं क्या कर रहा हूं, नाउ पुट वैल्यू ऑफ एक्स नॉट फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण एक से एक्स नॉट की वैल्यू पुट कर दो। तो देखो एक्स आई डैश बराबर एक्स आई माइनस बीटा। नाउ सी स्टूडेंट्स एक्स नॉट का मान क्या था अपने पास, ए इंटू एक्स आई डैश, ये मान भी मैं यहां पुट कर देता हूं, तो एक्स नॉट की जगह मैंने पुट कर दिया ए इंटू एक्स आई डैश। अब आप देख रहे हैं एक्स आई डैश यहां भी है और एक्स आई डैश यहां भी है, तो क्यों ना दोनों को एक साथ लिख लें। तो पक्षांतर करने पर एक्स आई डैश माइनस वाला साइन इधर जाकर प्लस हो जाएगा, ए बीटा या बीटा ए कुछ भी लिखें इंटू एक्स आई डैश बराबर एक्स आई। तो मैं बोल सकता हूं एक्स आई डैश कॉमन अगर ले लें दोनों में है तो वन प्लस ए बीटा बराबर एक्स आई, अदरवाइज एक्स आई का मान क्या आ गया, एक्स आई डैश वन प्लस ए बीटा। ये मैं इक्वेशन मान लेता हूं फिफ्थ। नाउ सी, काफी कुछ हम लोग रिजल्ट के अब करीब हैं, एक्स आई की वैल्यू अब मुझे पता चल गई, कुछ नहीं किया स्टूडेंट्स, केवल समीकरणों में रीअरेंजमेंट किया। मैं चाहता था एक्स नॉट का मान और एक्स एफ का मान यहां पुट हो जाए ताकि मेरे पास स्टैंडर्ड वैल्यू आने लगे। देखो मुझे पता क्या करना है, मेरा मोटो है ए एफ का मान पता करना, तो एक्स आई का मान तो आपको पता चल गया एक्स आई डैश के रिस्पेक्ट में,
अब मुझे किसका मान पता करना है, एक्स नॉट का मान, किसके रिस्पेक्ट में, एक्स आई डैश। तो हम लिख सकते हैं नाउ पुट, देखो ये इक्वेशन भी हमारे बहुत काम की है, नाउ पुट वैल्यू ऑफ, नाउ पुट वैल्यू ऑफ एक्स नॉट एंड एक्स आई इन इक्वेशन थर्ड, राइट, इन इक्वेशन थर्ड, समीकरण तीन में ये मान रखते हैं। तो देखो समीकरण तीन को अगर मैं देखूं, ये है अपने पास समीकरण तीन, एरो इसलिए बना रहा हूं चीजें आपको दिखाई दें केवल, और डेरिवेशन याद हो ना याद हो स्टूडेंट्स कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरे को लगता है कि पहला एक्सप्रेशन कम से कम दिमाग में होना चाहिए कि कहां से आया, इसलिए मैंने इसको ड्राइव किया है। फाइनल रिजल्ट से हमें मतलब है, ए ऑफ एफ की वैल्यू, चलो देखो बोर्ड पर, ए ऑफ एफ की वैल्यू क्या बनेगी, एक्स नॉट अपॉन एक्स आई, राइट, एक्स नॉट अपॉन एक्स आई बराबर, एक्स नॉट की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, देखो क्या इक्वेशन एक पर एक्स नॉट का मान ए इंटू एक्स आई डैश था, एग्री कर रहे हो सभी, ए इंटू एक्स आई डैश, देखो एक्स नॉट का मान आपको पता है, एक्स आई का मान अभी निकाला है फिफ्थ से, तो एक्स आई बराबर एक्स आई डैश वन प्लस ए बीटा, सभी को विजिबल होगा। नाउ सी स्टूडेंट्स, एक्स आई डैश कट हो गए, तो अल्टीमेटली मैंने आपसे कहा था मुझे ये सब हटाना है, एक्स आई एक्स नॉट एक्स एफ एक्स आई डैश, मुझे इन वैल्यूज से रिलेशन नहीं रखना, मैं जो फाइनल रिजल्ट देखना चाहता हूं वो ए और बीटा के टर्म्स में देखना चाहता हूं। तो क्या वो रिजल्ट अपने पास आ चुका है, यस, वो रिजल्ट है ए अपॉन वन प्लस ए बीटा। नाउ सी स्टूडेंट्स, ये जो अपने पास रिजल्ट आया, मैं इस रिजल्ट को फाइनली एक बार नीचे लिख देता हूं, गेन विथ फीडबैक या क्लोज लूप गेन इसी को बोलते हैं, ए सी एल बराबर ए अपॉन वन प्लस ए बीटा, ठीक है। ये जो अपने पास स्टैंडर्ड रिजल्ट आया है ये किसके लिए आया है, निगेटिव फीडबैक। अगर आपने यहां निगेटिव फीडबैक लिया माइनस साइन, तो नीचे यहां क्या आया है, प्लस। अगर यहां पर आपने पॉजिटिव फीडबैक लिया होता तो यहां साइन आता माइनस, केवल इतना फर्क है। पहले एक इंपॉर्टेंट बात सुने, फिर आगे का डिस्कशन मैं स्टार्ट करता हूं। नाउ सी, ये डेरिवेशन तो आप समझ चुके हैं, अब इस डेरिवेशन के बाद जिस स्टैंडर्ड रिजल्ट की मैं बात कर रहा हूं वो समझें। क्लोज लूप गेन जो हमारे पास आया, आप देखना ए अपॉन वन प्लस ए बीटा आया। नाउ सी स्टूडेंट्स, ए का कुछ मान होगा, वन प्लस ए बीटा में ए बीटा का जो प्रोडक्ट होगा वो कुछ भी हो, ए बीटा की जो वैल्यू होगी वो पॉइंट्स में हो, कुछ भी वैल्यू हो, जो भी वैल्यू हमारे पास होगी ए बीटा का प्रोडक्ट ए इंटू बीटा अगर एक में जुड़ेगा तो संख्या एक से बढ़कर आएगी। इसका मतलब ये जो वन प्लस ए बीटा है ये मान अंश बटे हर में ये मान ज्यादा आएगा डिनोमिनेटर वाला, और अगर ये डिनोमिनेटर वाली वैल्यू बढ़ रही है ए बीटा फैक्टर की वजह से, वन प्लस ए बीटा ज्यादा वैल्यू होगी, तो अंश बटे हर में अगर वन प्लस ए बीटा है तो ये वैल्यू मोर आ रही है। अगर अंश बटे हर में हर का मान बढ़ रहा है इसका मतलब गेन क्या हो रहा होगा, घट रहा होगा। तो ध्यान दें स्टूडेंट्स, निगेटिव फीडबैक लगाने से आपके पास सिस्टम का गेन रिड्यूस होगा। मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था कि जब निगेटिव फीडबैक एप्लीकेशन यूज किया था ओपन में, तो आपने देखा था पहले ओपन लूप गेन था 10^6, लेकिन जैसे ही फीडबैक लगा दिया निगेटिव तो गेन घटकर 10 आने लगा, 100 आने लगा, क्योंकि क्लोज लूप गेन की वैल्यू घटने लगेगी। तो यही आप चाहते हैं स्टूडेंट्स, आप चाहते हैं कि क्लोज लूप गेन हमारे पास कम होता जाए, राइट। जितना हमारे पास गेन घटेगा उतना ही सिस्टम मोर स्टेबल होना स्टार्ट होगा। अब वन बाई वन मैं सारे एस्पेक्ट आपको क्लियर करूंगा, पहले यह बात जरूर समझ लें कि वन प्लस समथिंग कुछ भी वन में जोड़ोगे तो एक से तो बढ़कर ही आएगा, और अगर ये एक से बढ़कर आया तो ए अपॉन वन की जगह वन प्लस समथिंग है, तो इसका मतलब है ये ओवरऑल वैल्यू घट कर आएगी।
सो दैट मींस गेन आपका रिड्यूस हो रहा है स्टूडेंट्स। सबसे पहले इस बात को आपको नोटिस कर लेना है, वेरी इंपॉर्टेंट टर्म है स्टूडेंट्स। यहां से आपको बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन पर एंट्री मिलेगी। तो नेक्स्ट मैं अब यहां पर स्टार्ट करने जा रहा हूं वन बाय वन निगेटिव और पॉजिटिव में कंपेरिजन। स्टूडेंट्स अब हम लोग पॉजिटिव फीडबैक एम्पलीफायर का डेरिवेशन भी देख लेते हैं। देखो इसकी जरूरत तो नहीं है बट मुझको ऐसा लग रहा है जैसा हमने निगेटिव फीडबैक देख रखा है तो एक प्रैक्टिस में हम आ जाएंगे कि पॉजिटिव फीडबैक में भी अपने पास फाइनल रिजल्ट क्या बनता है। तो देखो आपको पता है एक्स ऑफ आई से ये एज ए इनपुट है, इनपुट के बाद अपने पास जो अगली स्टेज है वो मिक्सर की है, राइट माय डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट इसके बाद एम्पलीफायर लगा हुआ है जिसका गेन हमने ए एज्यूम कर रखा है। इसके बाद एक्स नॉट को मैंने आउटपुट सिग्नल दिखा रखा है, यहां से एक फीडबैक सिग्नल के लिए हमने पहले एक एटीन्यूएटर लगा रखा है। ध्यान रखें एटीन्यूएटर का फीडबैक फैक्टर बीटा है, ए की वैल्यू जनरली ग्रेटर देन वन होती है और बीटा की वैल्यू जनरली लेस देन वन है बिकॉज इट इज एटीन्यूएटर फैक्टर। अब यहां पर ये जो फीडबैक फैक्टर है, फीडबैक फैक्टर आगे अभी ऑक्सीलेटर के केस में प्रॉपर डिजाइनिंग में एंगल के साथ भी बताऊंगा, अभी आपको केवल और केवल डेरिवेशन पर ध्यान देना है। ये जो फीडबैक फैक्टर बीटा है इससे एक्स ऑफ एफ सिग्नल आ रहा है, फीडबैक सिग्नल आ रहा है जिसको आपने मिक्सर में मिक्स किया। देखिए स्टूडेंट्स यहां पर आप देख पा रहे हैं मिक्सिंग पर पॉजिटिव फीडबैक चाहिए, इसका मतलब आप आउटपुट के सम पोर्शन को इनपुट पर फीडबैक कर रहे हैं और इसको हम बोल सकते हैं एक्स ऑफ एफ, ये एक्स ऑफ एफ है। और अब आप अगर देखें एम्पलीफायर ए पर क्या इनपुट बनेगा, पॉजिटिव फीडबैक के लिए मैंने यहाँ साइन प्लस दिखाया है, इन दोनों का प्लस होकर यहाँ आपको एक सिग्नल एक्स आई डैश दिखाएगा जिसको हम बोल सकते हैं ये जो एक्चुअल इनपुट बनेगा इस एम्पलीफायर का। मेरी रिक्वायरमेंट क्या है स्टूडेंट्स, मेरी रिक्वायरमेंट है फाइनल एक्स नॉट अपॉन एक्स आई, इन दोनों का अनुपात मेरे को पता करना है। तो मैं बोल सकता हूं इस फिगर पर कुछ बेसिक बातें अभी हम करेंगे इस पर, पहले मैं डायग्राम पर पूरे डायग्राम को प्रॉपर वे में बना देता हूं। देखो ये एक फीडबैक कॉन्फ़िगरेशन है और फीडबैक कॉन्फ़िगरेशन पर भी ये पॉजिटिव फीडबैक है। नाउ सी स्टूडेंट जैसा मैंने स्टार्टिंग में बोला था एक्स आई अपने पास इनपुट सिग्नल है, ये बातें मैं जानबूझकर लिख रहा हूं स्टूडेंट्स ताकि हमारे दिमाग में ये बातें बन जाएं। एक्स नॉट की अगर मैं बात करूं सो दिस इज आउटपुट सिग्नल, दिस इज आउटपुट सिग्नल, इसके बाद एक्स ऑफ एफ का मतलब है फीडबैक सिग्नल, एक्स ऑफ एफ का मतलब है फीडबैक सिग्नल, यस। नेक्स्ट एक्स आई डैश का मतलब है एक्चुअल इनपुट सिग्नल, एक्चुअल इनपुट वर्ड इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि इस एम्पलीफायर का जो अब इनपुट बन रहा है वो एक्स आई नहीं है, वो क्या बन रहा है एक्स आई डैश। सो आप यहां लिख सकते हो एक्चुअल इनपुट सिग्नल। नाउ सी स्टूडेंट्स मैं अलग अलग हर ब्लॉक को लेकर आपको इक्वेशन की प्रेजेंटेशन बताता हूं। फर्स्ट अगर मैं बात कर रहा हूं बेसिक एम्पलीफायर की तो आप ध्यान दें यहां बेसिक एम्पलीफायर पर इसका गेन ए है, राइट। नाउ सी ए पर जो आउटपुट है वो एक्स नॉट है और इसके अगर मैं इनपुट की बात करूं तो ये एक्स आई डैश है। यहां से देखो आप ए को हम बोलते हैं, अगर मैं बात करूं विदाउट फीडबैक तो इसका मतलब ए का मतलब है अभी आउटपुट एक्स नॉट और इसका इनपुट क्या है एक्स आई डैश, ए का मतलब है लाभ गेन। तो अगर मैं यहाँ गेन की बात करूँ तो मैं बोल सकता हूँ इस ए का मतलब है गेन विद आउट
फीडबैक। देखो विदाउट फीडबैक का सिंपल सा मतलब ये है, जब बिना फीडबैक के अभी आप केवल इस ए की बात कर रहे हो, तो इस ए के लिए आप देख पा रहे हैं ये एक्स नॉट है और ये एक्स आई डैश है, तो आप लिख सकते हो आउटपुट अपॉन इनपुट एक्स नॉट अपॉन एक्स आई डैश। नाउ सी, अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो यहां से आप एक इक्वेशन समझ सकते हैं स्टूडेंट्स। एक्स नॉट की वैल्यू, एक्स नॉट की वैल्यू ए इंटू एक्स आई डैश आएगी, ठीक है। ये अपने पास समीकरण एक हो गया। इसके बाद अब मैं अगर बात करूं बीटा की, तो देखो स्टूडेंट्स, नाउ सी बीटा के लिए भी, बीटा पर अगर मैं बात करूं कि आउटपुट क्या बन रहा है बीटा का, तो देखो बीटा के लिए आउटपुट ये एक्स ऑफ एफ है और बीटा के लिए इनपुट एक्स नॉट है, तो एक्स नॉट का मतलब एक्चुअल में एक्स नॉट पूरे का आउटपुट है, बट इस बीटा के लिए ये एज ए इनपुट काम कर रहा है। तो आप यहां पर बोल सकते हैं एक्स नॉट, और ये एक्स नॉट को मैं एरो से इंडिकेट करके दिखा रहा हूं ताकि आपको क्लियर रहे, और इस पर जो आउटपुट बन रहा है स्टूडेंट्स वो बन रहा है एक्स ऑफ एफ। तो आप जानते हैं फीडबैक फैक्टर बीटा, फीडबैक फैक्टर बीटा, इसी को एटेन्यूएशन फैक्टर भी बोलते हैं हम लोग, फीडबैक फैक्टर बीटा बराबर आउटपुट अपॉन इनपुट, आउटपुट की वैल्यू है एक्स एफ अपॉन एक्स नॉट, राइट। तो यहां से एक सेकेंड इक्वेशन आ गई, एक्स ऑफ एफ बराबर बीटा टाइम्स एक्स नॉट, राइट। तो ये अपने पास सेकेंड इक्वेशन हो गई। नाउ सी, देखो स्टूडेंट्स मेरा मोटो क्या है, हम पूरे फीडबैक कॉन्फ़िगरेशन को अगर प्रॉपर देखें तो अब मेरे को आउटपुट क्या दिख रहा है, एक्स नॉट पूरे सिस्टम का, इस पूरे सिस्टम पर एक्स नॉट एज ए आउटपुट दिख रहा है और एक्स आई एज ए इनपुट दिख रहा है। इसका मतलब अगर मैं इससे बोला जाए ए ऑफ एफ, अपने को यही पता करना है जिसके लिए मैं डेरिवेशन कर रहा हूँ, तो ए ऑफ एफ का मतलब है गेन फीडबैक के साथ या विदाउट फीडबैक, पूरे सिस्टम में फीडबैक लगा हुआ है स्टूडेंट्स, ओवरऑल फीडबैक की बात कर रहे हैं। That means we can write gain with feedback, right? AF को हम बोल सकते हैं gain with feedback. That should be equal to total का output X naught, total का input XI. So this is nothing but X naught upon XI. ये equation third है. देखो मुझे जो relation चाहिए वो A और beta में चाहिए, ना कि X naught और XI में। तो आप x नॉट और एक्स आई के मान प्रतिस्थापित करेंगे सो दैट आपके पास a और बीटा में रिजल्ट आ जाए। इसके लिए आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, एक आप यहां पर हेल्पिंग एंड और देख रहे हैं मिक्सर की स्टेज, देखिए मैं इसको भी क्लियर कर देता हूं। मिक्सर जो इनपुट साइड लगा है इस पर, यहां से आप देखें अगर तो एक्स आई इनपुट है, इस तरफ अगर मैं बात करूं तो अपने पास जो इसका आउटपुट बन रहा है वो एक्स आई डैश है, और यहाँ अगर मैं बात करूँ जो सिग्नल फेड होकर इस पर आ रहा है वो एक्स ऑफ एफ है। लेकिन इस एक्स ऑफ एफ जो सिग्नल आ रहा है स्टूडेंट्स, देखो एक्स आई और एक्स एफ में एक्स ऑफ एफ इसमें जुड़ रहा है, पॉजिटिव फीडबैक है, तो पॉजिटिव फीडबैक के लिए मैंने आपको यहाँ प्लस साइन दिखाया, अब इन दोनों को जोड़ देंगे, तो इन दोनों का जोड़ पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम में इन दोनों का जोड़ बराबर दिस होगा। इसका मतलब है एक्स आई डैश बराबर इन दोनों का सम एक्स ऑफ आई प्लस एक्स ऑफ एफ होगा। क्लियर माई स्टूडेंट्स, अब देखो एक्स आई डैश बराबर अगर एक्स आई प्लस एक्स ऑफ एफ है, इसमें मुझे एक्स आई का मान चाहिए, तो मेरे लिए एक्स एफ और एक्स आई डैश अभी एक्स्ट्रा है, राइट। चीजों को समझने की कोशिश करना, आखिर मैं एक्स एफ और एक्स आई डैश पर ऐसा क्या प्रतिस्थापन करूं कि ऊपर से वैल्यू कट जाए, राइट, कुछ ऐसा दिमाग में सोचना होगा। तो पहले मैं इस इक्वेशन का नाम लिख देता हूं, मैं मान लेता हूं से दिस इक्वेशन इज, से दिस इक्वेशन इज इक्वेशन फोर्थ। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ, एक एक करके वैल्यू पुट करते हैं, पहले एक्स एफ की वैल्यू पुट करते हैं। तो मैं स्टूडेंट्स एक एरो बना रहा हूं ताकि चीजें आपको क्लियर रहें, दिखाई दें। देखो एक्स एफ का मान
मैं इस इक्वेशन पे पुट कर रहा हूँ। मैं यहाँ लिख रहा हूँ पुट वैल्यू ऑफ xf, पुट बहुत रिलैक्स हो के स्टूडेंट्स, पुट वैल्यू ऑफ xf इन इक्वेशन फोर्थ फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, समीकरण दो से ये वैल्यू पुट करनी है। समीकरण दो पर xf की वैल्यू बीटा इंटू एक्स नॉट है। देखो इधर एक्स आई डैश बराबर एक्स आई प्लस एक्स एफ का मान आपको कितना दिख रहा है समीकरण दो में, बीटा इंटू एक्स नॉट। मैंने जानबूझकर ये रिलेशन लिखा है स्टूडेंट्स, मैंने आपसे पहले बोला था कराने की इसको जरूरत नहीं है, इसलिए करा रहा हूँ ताकि प्रैक्टिस में आप आ जाएं। नॉइज पर डिस्टॉर्शन फैक्टर में मैं फिर से डेरिवेशन नहीं कराऊंगा, डायरेक्ट रिजल्ट लिखूंगा क्योंकि तब तक आप प्रैक्टिस में आ चुके होंगे। अब एक्स आई डैश बराबर एक्स आई प्लस बीटा एक्स नॉट आ चुका है अपने पास। देखो स्टूडेंट्स, अगर मैं इस बीटा एक्स नॉट पर एक्स नॉट को देखूं, तो आप देखें समीकरण एक पर एक्स नॉट का मान ए एक्स आई डैश था, इसको भी पुट कर दें। तो नाउ पुट वैल्यू ऑफ, नाउ पुट वैल्यू ऑफ एक्स नॉट फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। समीकरण एक से हम लोग एक्स नॉट का मान यहां प्रतिस्थापित करते हैं। देखो आप, मैं फिर से एरो बना देता हूं स्टूडेंट्स समझाने के लिए, इस मान को हम इस इक्वेशन में प्रतिस्थापित कर रहे हैं। ठीक है, एक्स नॉट की जगह एक्स आई डैश बराबर, सिंपल वे में एक्स आई डैश बराबर, लुक एट बोर्ड, एक्स आई प्लस बीटा इंटू एक्स नॉट का मान समीकरण एक से क्या दिख रहा है, ए इंटू एक्स आई डैश, तो ए इंटू एक्स आई डैश। अब एक बात ये भी समझ में आ रही है, एक्स आई डैश यहां भी है, एक्स आई डैश यहां भी है, क्यों ना दोनों को एक साथ लिख लें। अगर दोनों को एक साथ लिखें तो एक्स आई डैश इस तरफ वैल्यू जाएगी तो माइनस बीटा ए एक्स आई डैश बराबर एक्स आई। एक्स आई डैश जब आप कॉमन लोगे तो एक्स आई डैश वन माइनस बीटा ए बराबर एक्स आई। ये अपने पास एक इक्वेशन फिफ्थ बन गई, समीकरण पांच। देखो स्टूडेंट्स, एक्स आई का मान आ गया राइट, ये एक्स ऑफ आई का मान आ गया। और अगर आप इक्वेशन थर्ड को देखें दिस, तो x नॉट का मान पता है अपने को, एक्स आई का मान पता है, दोनों वैल्यू अगर मैं पुट कर दूं तो मेरे को क्या पता चल जाएगा, गेन विद फीडबैक, और यही तो अपने को कैलकुलेट करना है। सो दैट्स वाई a ऑफ f, या मैं ऐसा लिखूं पुट वैल्यू ऑफ, मैं लिख देता हूं समझाने के लिए, पुट वैल्यू ऑफ x नॉट एंड एक्स आई इन इक्वेशन थर्ड, इन इक्वेशन थर्ड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन फिफ्थ। समीकरण एक से एक्स नॉट का मान, समीकरण पांच से एक्स आई का मान, समीकरण तीन में प्रतिस्थापित करने पर ये है अपने पास इक्वेशन थर्ड। ठीक है, तो अगर ए ऑफ एफ, बोर्ड पर देखो केवल स्टूडेंट्स, ए ऑफ एफ की वैल्यू अब क्या समझ में आ रही है, एक्स नॉट अपॉन एक्स आई। ये वैल्यू आप जरा एक बार पुट करें मेरे साथ, एक्स नॉट की वैल्यू क्या है, ए इंटू एक्स आई डैश, ए इंटू एक्स आई डैश अपॉन एक्स आई की वैल्यू अपने पास क्या दिख रही है, एक्स आई डैश यस वन माइनस बीटा ए, क्या वन माइनस ए बीटा ए की बात है। तो यहां से आप देख पा रहे हैं एक्स आई डैश कट गया, और इस वैल्यू को हम लिख सकते हैं a ऑफ f बराबर a अपॉन वन माइनस ए बीटा। नाउ क्लियरली बोर्ड पर अगर मैं देखूं स्टूडेंट्स, तो दो पॉइंट निकल कर आ रहे हैं। पहली बात, आपने निगेटिव फीडबैक में देखा था यहां पॉजिटिव साइन था, और इस बार पॉजिटिव फीडबैक पर यहां निगेटिव साइन है, फॉर पॉजिटिव फीडबैक। तो पॉजिटिव फीडबैक में डिनोमिनेटर में हर में यहाँ साइन माइनस आता है, और अगर निगेटिव फीडबैक होता तो यहाँ साइन प्लस आता, पहला डिफरेंस। दूसरी बात,
इस बात को भी नोटिस करें, मैं ग्रीन कलर से समझा रहा हूं। माय डियर स्टूडेंट्स, वन माइनस ए बीटा में, वन वैल्यू में अगर ए बीटा का सब्ट्रैक्शन हो रहा है, बी क्लियर, ए बीटा का जब सब्ट्रैक्शन होगा तो डिनोमिनेटर या हर वाली टर्म, मैं इसको ब्रैकेट में लिख देता हूँ, ये वाली टर्म घट कर आएगी। और आप समझ रहे होंगे, अगर डिनोमिनेटर घट कर आएगा, अगर डिनोमिनेटर घट कर आएगा तो ए अपॉन ये वैल्यू लेस होगी, तो ओवरऑल वैल्यू क्या होगी, बढ़ जाएगी। इसका मतलब ए ऑफ एफ आपको क्या मिलेगा, इंक्रीज होकर मिलेगा। इसका मतलब गेन इंक्रीजेस विद पॉजिटिव फीडबैक। इसका मतलब मैं बोल सकता हूं, गेन इंक्रीजेस विद पॉजिटिव फीडबैक, राइट। तो अगर पॉजिटिव फीडबैक की बात करें तो पॉजिटिव फीडबैक में गेन इंक्रीज करेगा, और इक्वेशन क्या बनेगी ये आपको क्लियर होना चाहिए। तो मेरे को ऐसा लगा स्टूडेंट्स कि एक डेरिवेशन हम देख चुके हैं, तो दूसरा भी थ्रू आउट सेम डेरिवेशन था, कुछ ज़्यादा नया नहीं था इसमें कुछ करने के लिए, बट प्रैक्टिस के लिए मैंने इसको करा दिया है। आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, किसी एक को देख लें, लास्ट में फाइनल रिजल्ट ध्यान रखें। निगेटिव फीडबैक में यहाँ प्लस आता है, पॉजिटिव फीडबैक में यहाँ माइनस आता है, दैट्स द स्टोरी। आपको ये पता चल गया है, निगेटिव फीडबैक में गेन अपने पास घटता है, यहाँ गेन बढ़ता है, राइट। तो मैं स्टूडेंट्स एक कंपैरिजन करना चाहता हूँ, यहाँ पर एक कंपैरिजन मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, सो दैट ऑब्जेक्टिव में ध्यान रखें स्टूडेंट्स। जैसा लेक्चर नंबर 20 में हमने दो टेबल्स बनाई थी, आपको याद हो, मैंने वहाँ पर आइडियल और प्रैक्टिकल ऑपएम्प के लिए आपको प्रॉपर्टीज़ बताई थी, और मैंने बोला था वहाँ से डेड शोर क्वेश्चन आता है। वैसे ही स्टूडेंट्स, अगर मैं फीडबैक एम्पलीफायर की बात करूँ तो यहाँ से भी क्वेश्चन डेड श्योर आता है। अब जो हम कंपैरिजन करने जा रहे हैं, ध्यान रखें स्टूडेंट्स, ये चैप्टर जो अब हम करने जा रहे हैं ये थोड़ा बेसिक फंडामेंटल है। निगेटिव और पॉजिटिव फीडबैक का अभी तक हमने कंपैरिजन नहीं किया था, और इस कंपैरिजन को करने के लिए मैंने स्टूडेंट्स पहले आपको दोनों को ड्राइव करा दिया है, और कुछ कुछ बातें मैं आपको आगे समझाता जाऊँगा कि कैसे चीज़ें हो रही हैं, राइट। एक एक करके इस पॉइंट को हमें समझना है। चलिए, अब मैं पॉजिटिव और निगेटिव फीडबैक में कंपैरिजन करूंगा स्टूडेंट्स, राइट। पॉजिटिव और निगेटिव फीडबैक में अब मैं कंपैरिजन करने जा रहा हूं। पॉजिटिव और निगेटिव फीडबैक में अगर हम कंपैरिजन करें तो निगेटिव फीडबैक सिस्टम मोर स्टेबल हो जाता है स्टूडेंट्स, निगेटिव फीडबैक सिस्टम मोर स्टेबल हो जाता है, राइट। नॉइज, डिस्टॉर्शन सब कुछ रिड्यूस होता है इसमें, तो ओवरऑल निगेटिव फीडबैक सिस्टम मोर एडवांटेजियस होता है अपने लिए। ओवरऑल निगेटिव फीडबैक सिस्टम एडवांटेजियस होता है। इस बात को अभी मैं आपको समझाऊंगा बहुत प्रॉपर वे में, राइट। यहाँ मैं इक्वेशंस लिखकर इस चीज़ को बहुत प्रॉपर वे में आपको समझाऊंगा, सो दैट आपको चीज़ें क्लियर होती जाएं। गिव द हेडिंग कंपैरिजन ऑफ निगेटिव फीडबैक एम्पलीफायर विद पॉजिटिव फीडबैक एम्पलीफायर। एक टेबल बना लेते हैं, इसमें 5 to 6 पॉइंट्स होंगे कुछ, इनको आपस में हम लोग कंपेयर करेंगे, ठीक है। और ऑक्सीलेटर जब मैं स्टूडेंट्स आपको पढ़ाऊंगा तो वहां पर एंगल के साथ भी मैं आपको प्रॉपर क्लियरेंस दूंगा, अभी केवल हम लोग यहाँ जनरल स्टेटमेंट्स पर हैं, ठीक है। धीमे धीमे वन बाई वन हमें स्टेप में आगे बढ़ना है, और मैं आपको हमेशा से कहता हुआ आया हूँ स्टूडेंट्स, बहुत इजी वे में चीज़ों को समझने टाइम दें इस पर, राइट। बहुत ईजीएस्ट टॉपिक हैं। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ यहाँ पर कंपैरिजन में। देखो, फर्स्ट मैं दिस साइड लिख रहा हूँ, निगेटिव फीडबैक एम्पलीफायर, और इस तरफ मैं लिख लेता हूँ पॉजिटिव फीडबैक एम्पलीफायर, राइट। अब मैं स्टूडेंट्स दोनों में कंपैरिजन करूँगा। अगर अब हम दोनों में कंपैरिजन करें तो निगेटिव और पॉजिटिव पर पॉइंट्स अपने को क्लियर हैं। फर्स्ट पॉइंट में देखो क्या बता रहा हूँ आपको, फर्स्ट पॉइंट पर अभी आपने देखा, मैं फिगर फिर से नहीं बना रहा, केवल इक्वेशन लिख रहा हूँ। पहला पॉइंट अभी आपने देखा,
निगेटिव फीडबैक पर गेन विथ फीडबैक आ रहा था ए अपॉन वन प्लस ए बीटा। इसी तरह अगर मैं बात करूं पॉजिटिव फीडबैक की, तो पॉजिटिव फीडबैक पर ए ऑफ एफ की वैल्यू आ रही थी ए अपॉन वन माइनस ए बीटा। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स, यहां पर अगर मैं फर्स्ट टॉक आपसे करूं तो पहले तो ये क्लियर हुआ था आपको निगेटिव फीडबैक पर और पॉजिटिव फीडबैक पर अगर हम लोग कंपैरिजन देखें तो पहला पॉइंट ये क्लियर हुआ था, एक बार बोर्ड पर चेक करें, वन प्लस ए बीटा ये फैक्टर वन प्लस ए बीटा वन से ज्यादा होगा। अगर ये वैल्यू वन से ज्यादा होगी इसका मतलब हमारे पास डिनोमिनेटर की वैल्यू ज़्यादा है, और अगर डिनोमिनेटर की वैल्यू ज़्यादा है तो a ऑफ f रिड्यूस होगा। इसका मतलब पहला पॉइंट निकल कर आया निगेटिव फीडबैक में गेन रिड्यूस हुआ। अगर मैं यहाँ बात करूँ पॉजिटिव फीडबैक, अभी मैंने इसको भी ड्राइव किया था, वन में अगर a बीटा घटेगा तो वन माइनस a बीटा, देखो दोनों में फ़र्क, इसमें वन में जोड़ रहा था ये वैल्यू बढ़ी थी, वन माइनस a बीटा हुआ वैल्यू कम हुई। अगर मेरे पास डिनोमिनेटर स्टूडेंट्स कम हुआ इसका मतलब a ऑफ f बढ़ा होगा, अंश बटे हर में हर का मान कम होने का मतलब है ओवरऑल वैल्यू बढ़ जाना। तो आप यहां से पहला पॉइंट लिख सकते हैं, मुझे लिखना चाहिए गेन विद फीडबैक इंक्रीजेस, यहां सॉरी हम निगेटिव फीडबैक की बात कर रहे हैं, गेन विथ फीडबैक रिड्यूसेस या डिक्रीजेस, राइट। और अगर मैं पॉजिटिव फीडबैक की बात करूं तो यहां मुझे लिखना चाहिए गेन, पॉजिटिव फीडबैक में देखो गेन की वैल्यू बढ़ी है तो मुझे लिखना चाहिए गेन विथ फीडबैक इंक्रीजेस, तो इस बार गेन बढ़ा है, राइट। अब मैं अगर सेकेंड पॉइंट की बात करूं तो देखिए स्टूडेंट, सेकेंड पॉइंट क्या है दोनों पर, इसका भी मैं डिस्कशन भी करूंगा। जब भी सिस्टम पर गेन घट रहा है, अगर आप ऑपम की स्टार्टिंग क्लास याद करें तो ऑपम की जब मैंने प्रॉपर्टी बताई थी तो एक टेबल बनवाई थी स्टूडेंट्स, वहां मैंने प्रूफ किया था कि जब आप निगेटिव फीडबैक सिस्टम में लगाते हैं तो इसका गेन घटता है, और गेन घटते घटते लीनियर रीजन में जो ग्राफ होता है वो लीनियर रीजन में दिखने लगता है, और अगर ग्राफ लीनियर रीजन में आ जाता है तो सिस्टम मोर स्टेबल हो जाता है। इसका मतलब हमारे पास निगेटिव फीडबैक सिस्टम, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है स्टूडेंट्स, निगेटिव फीडबैक सिस्टम, निगेटिव फीडबैक सिस्टम आर मोर स्टेबल, मोर स्टेबल निगेटिव फीडबैक सिस्टम हमेशा क्या है, मोर स्टेबल है। और अगर मैं बात करूं पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम की स्टूडेंट्स, तो पॉजिटिव फीडबैक में गेन बार बार बढ़ेगा, सिस्टम किस में चला जाएगा, सैचुरेशन, तो अगर ये सैचुरेशन में जा रहा है इसका मतलब क्या है, सिस्टम की स्टेबिलिटी अच्छी नहीं है। सो दैट्स वाई पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम आर हैविंग लो स्टेबिलिटी, आर हैविंग लेस स्टेबल। देखो स्टूडेंट्स, जैसे मैंने यहां लिखा निगेटिव फीडबैक सिस्टम आर मोर स्टेबल, तो आप डायरेक्ट ये भी लिख सकते हो कि पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम आर लेस स्टेबल, पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम आर सॉरी इसी के साथ स्टेटमेंट लिख देते हैं, आर लेस स्टेबल, पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम आर लेस स्टेबल किसके कंपेयर में, निगेटिव फीडबैक सिस्टम में। यही बात यहां समझना, यहां सिस्टम मोर लीनियर था, यहां सिस्टम नॉन लीनियर सैचुरेशन में चला जाता है, राइट। लेकिन हमारे लिए जो ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है वो क्या है, निगेटिव फीडबैक सिस्टम आर मोर स्टेबल, स्टेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू ये बहुत अच्छा होता है, इस पर स्टेबिलिटी अच्छी नहीं होती, ये बहुत ज्यादा ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है स्टूडेंट्स। तीसरा पॉइंट, इस पर भी अगर हम थर्ड पॉइंट देखें, अगर मैं निगेटिव फीडबैक की बात कर रहा हूं, देखो ध्यान से समझना, एक एक करके मैं पॉइंट लिखवा रहा हूं और बहुत कॉमन वे में आप चीजें समझोगे।
ये बात आपको समझ में आ रही होगी, जितना गेन घटेगा स्टूडेंट्स उतना ही सिस्टम में रिस्पॉन्स लीनियर आएगा, लीनियर का मतलब मोर स्टेबल रिस्पॉन्स, राइट। यहाँ जब जब गेन बढ़ता है तो गेन आप जानते हैं, अगर किसी एम्पलीफायर में गेन बढ़ेगा तो स्टूडेंट्स गेन बढ़ने का मतलब आउटपुट की वैल्यू या तो सैचुरेशन में चली जाएगी, और सैचुरेशन में जाने का मतलब आपको मैंने एक एग्जांपल बताया था, ऑपएम कैन नेवर गिव मोर देन इट्स बाइसिंग वोल्टेज, ऑपएम का आउटपुट कभी अपने सप्लाई वोल्टेज से ज़्यादा नहीं जाता। तो इसका मतलब ऐसा नहीं है कि अपनी सप्लाई वोल्टेज से वैल्यू बढ़ जाए तो वो सैचुरेशन में आ जाती है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, लेस स्टेबल सिस्टम। तो पॉजिटिव फीडबैक हमेशा क्या होता है, लेस स्टेबल, निगेटिव फीडबैक लीनियर रीजन में होता है तो मोर स्टेबल। गेटिंग माई वर्ड्स। थर्ड पॉइंट, ये भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, बहुत ध्यान से समझें, ऐसे सिस्टम डीजनरेटिव फीडबैक के एग्जाम्पल होते हैं। डीजनरेटिव का मतलब सब्ट्रैक्शन, डीजनरेटिव फीडबैक सिस्टम, डीजनरेटिव फीडबैक सिस्टम, पूरा लिख देता हूं मैं, डीजनरेटिव फीडबैक सिस्टम, एंड दिस इज कॉल्ड रीजनरेटिव फीडबैक सिस्टम, रीजनरेटिव फीडबैक सिस्टम। ऐसा क्यों बोल रहा हूं समझना, रीजनरेशन का मतलब है प्लस होना, तो यहां रीजनरेशन होती है, और यहां डीजनरेशन का मतलब क्या है, सब्ट्रैक्शन होना। निगेटिव फीडबैक में मिक्सर पर डीजनरेशन होता है, और यहां क्या होता है स्टूडेंट, रीजनरेशन। तो रीजनरेटिव फीडबैक सिस्टम कौन सा है, पॉजिटिव फीडबैक। इसी वजह से ये चौथा पॉइंट बनता है दोनों में, रीजनरेटिव फीडबैक का मतलब बार बार रीजनरेशन होना। तो स्टूडेंट रीजनरेशन का हम यूज करते हैं प्रैक्टिकली, वो प्रैक्टिकल यूज कहाँ है, ऑक्सीलेटर सर्किट में। नंबर ऑफ टाइम्स ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन बनता है, दोलित ऑक्सीलेटर किस फीडबैक सिस्टम में काम करते हैं, निगेटिव फीडबैक पॉजिटिव फीडबैक दोनों में, इनमें से कोई नहीं। तो आपको ध्यान रखना है स्टूडेंट्स, हमेशा ऑक्सीलेटर सर्किट पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम पर कार्य करता है। तो देखो मैं एग्जांपल की अगर बात करूं तो मैं बोल सकता हूं पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम इज मोस्ट वाइडली यूज्ड, दोनों में लिख रहा हूं, इज मोस्ट वाइडली यूज्ड फॉर डिजाइनिंग ऑफ ऑसिलेटर एंड टाइमर सर्किट। टाइमर क्यों मैं लिख रहा हूं ध्यान से समझना, आगे अभी हम लोग ट्रिगर सर्किट्स पढ़ेंगे, सिमेट ट्रिगर मल्टीवाइब्रेटर पढ़ेंगे, तो वहां भी इसका यूज होता है, राइट। तो अभी हमने पढ़ा नहीं है तो मैंने जनरल लिख दिया, आपको बस इतना अभी समझना है कि ऑक्सीलेटर में इसका हम प्रयोग करते हैं, मल्टीवाइब्रेटर में मैं आपको बताऊंगा विद एग्जांपल। चलिए चौथा पॉइंट, अगर मैं निगेटिव फीडबैक की बात कर रहा हूं तो स्टूडेंट्स आपके यहाँ एक सब्जेक्ट है कंट्रोल सिस्टम, और प्लांट पर जहां पर भी हम पूरे सिस्टम पर स्टेबिलिटी चेक करते हैं तो स्टूडेंट्स निगेटिव फीडबैक सिस्टम ही यूज करते हैं, वही मोर स्टेबल सिस्टम होता है और उसी की स्टेबिलिटी हम लोग चेक करते हैं। तो ध्यान रखें निगेटिव फीडबैक सिस्टम का प्रयोग हम लोग क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम में यूज करते हैं मैक्सिमम। सो दैट्स वाई मैं बोलूंगा, जैसे इलेक्ट्रिक आयरन प्रेस सबने देखा है, अगर ऑटोमेटिक आयरन प्रेस है तो ऑटोमेटिक आयरन प्रेस में दो सिग्नल्स का डिफरेंस होता है, और वो दो सिग्नल्स का डिफरेंस करके ये बताता है कि कब ऑटोमेटिक उसको ऑफ हो जाना है। तो उसमें एक फीडबैक मैकेनिज्म लगी हुई है, अंदर रियोस्टेट लगा है जो वार्म अप कर रहा है, हीटिंग फिलामेंट है जो वार्म अप कर रहा है, और फीडबैक मैकेनिज्म उसको बता रही है कि कब उसको बार बार ऑफ होना है और कब अपने आप उसको ऑन होना है। क्योंकि स्टूडेंट्स ऑटोमेटिक आयरन प्रेस में एक फीडबैक सिस्टम है जिसकी वजह से दो सिग्नल्स का डिफरेंस होता है, और वह बताता है कि कपड़ा कितने टेम्परेचर को बियर कर पा रहा है, उससे ज़्यादा टेम्परेचर से पहले ही हमारे पास आउटपुट पर कंट्रोलिंग हो जानी चाहिए, आउटपुट ऑफ हो जाना चाहिए, ताकि वो आयरन प्रेस उतना ही गर्म हो जितना कपड़ा सस्टेन कर पाए। सो दिस टाइप ऑफ सिस्टम आर द एग्जांपल ऑफ क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम। तो अगर आपसे बोला जाए निगेटिव फीडबैक सिस्टम का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, तो मैं बोल सकता हूँ निगेटिव फीडबैक सिस्टम, देखो इसको बहुत प्रॉपर वे में सब्जेक्ट में पढ़ोगे आप कंट्रोल सिस्टम में, लेकिन अभी मेरा जो मोटो है वो ऑब्जेक्टिव के पॉइंट समझाना है। निगेटिव फीडबैक सिस्टम इज मोस्ट वाइडली यूज्ड
मोस्ट वाइडली यूज्ड इन कंट्रोल सिस्टम एप्लीकेशन, इन कंट्रोल सिस्टम एप्लीकेशन, राइट। तो मैंने भी आपको ये चार कंपैरिजन बताए। अब मैं क्या कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, दो कंपैरिजन अभी और लेते हैं हम लोग, ये आई थिंक सबको क्लियर हो रहे होंगे, पहला पॉइंट, दूसरा, तीसरा, चौथा, लास्ट में मैं इसको एक बार समराइज कर दूंगा। अब देखो, अगर मैं फिर से कंपैरिजन देखूं निगेटिव और पॉजिटिव पर, क्योंकि अभी कंपैरिजन पूरा नहीं हुआ, यहाँ आप देखें निगेटिव फीडबैक एम्पलीफायर और पॉजिटिव फीडबैक एम्पलीफायर, राइट। इनमें कंपैरिजन चल रहा है स्टूडेंट्स, हमने चार पॉइंट तक देख लिया है। अगर मैं पॉइंट नंबर फिफ्थ की बात करूं दोनों में, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। मान लो अभी तक हम लोग एक्स एज ए इनपुट ले रहे थे, अगर मैं ये देखूं कि नॉइज एज ए इनपुट देखूं, तो नॉइज एज ए इनपुट पर फिर से एक डेरिवेशन बन सकता है। मैं फिर से डेरिवेशन नहीं करा रहा हूँ, फाइनल रिजल्ट अब मैं डायरेक्ट लिखना प्रेफर करूंगा। नॉइज विद फीडबैक का मतलब ओपन लूप पर कितनी नॉइज है डिवाइडेड बाई 1 प्लस ए बीटा। एक बार इसका मतलब भी आप पहले समझ लें, मैं आपको क्लियर कर दूं। देखो स्टूडेंट्स, आपने अभी देखा कि अगर मैं आपसे बोलूं 1 प्लस ए बीटा, 1 से ये ज़्यादा होगा, इसका मतलब डिनोमिनेटर की वैल्यू ज़्यादा है। अगर डिनोमिनेटर की वैल्यू ज़्यादा है तो ओवरऑल वैल्यू घट गई होगी। अगर ओवरऑल वैल्यू घट गई तो इसका मतलब आप प्रिडिक्ट कर सकते हो यहाँ पर नॉइज विद फीडबैक का मान कम आएगा पुरानी नॉइज से, राइट। इसका मतलब फीडबैक के साथ सिस्टम में नॉइज घटी होगी। या अभी मैं आपको समझाने के लिए लिख देता हूँ, कैपिटल एन का मतलब है नॉइज विदाउट फीडबैक एंड NF का मतलब है नॉइज विद फीडबैक। तो अब आप समझ सकते हैं विद फीडबैक पर NF का मान घट गया होगा। क्यों घटा होगा? क्योंकि 1 प्लस ए बीटा से भाग हो रहा है, डिवाइड होने पर अब आपके पास NF नॉइज कम हो जाएगी, इसका मतलब नॉइज इंप्रूव हो जाएगी, या मैं बोल सकता हूँ नॉइज की वैल्यू घट जाएगी। तो यहाँ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बना ऑब्जेक्टिव के लिए कि निगेटिव फीडबैक पर, यूजिंग निगेटिव फीडबैक नॉइज विल रिड्यूस, इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। इसी तरह अब मैं अगर बात करूँ पॉजिटिव फीडबैक की, तो देखिए स्टूडेंट्स, पॉजिटिव फीडबैक पर सेम, यहाँ निगेटिव फीडबैक में बटे में क्या आया था 1 प्लस ए बीटा, बस थोड़ा सा कंसंट्रेशन की ज़रूरत है। आप खुद सोचकर बोलो स्टूडेंट्स, NF का मान क्या आना चाहिए, N अपॉन यस 1 माइनस ए बीटा या 1 प्लस ए बीटा। अगर पॉजिटिव फीडबैक है तो आप कंपेयर करके लिख सकते हो इस बार 1 माइनस ए बीटा। आप फिर से इस समीकरण को जरा समझना, अगर मैं इस इक्वेशन को ध्यान दूँ तो 1 माइनस ए बीटा, 1 से ये वैल्यू घटी है, इसका मतलब सब्ट्रैक्शन पर ये वैल्यू घटी होगी। और अगर इस बार डिनोमिनेटर घटा है तो आप समझ सकते हैं NF की वैल्यू नॉइज विद फीडबैक क्या हुआ होगा, नॉइज विद फीडबैक बढ़ गया होगा, राइट। तो मैं क्या लिखूं नीचे स्टूडेंट्स, इस बार NF यस ग्रेटर देन N, और पुराना नॉइज N था, और अब आपने फीडबैक सिस्टम जब लगाया तो नॉइज बढ़ गया। तो जैसे यहाँ मैंने कंपैरिजन के लिए बात लिखी थी, वैसे यहाँ भी समझाने के लिए लिख देता हूँ, N का मतलब है नॉइज विदाउट फीडबैक, सेम जो लिखा था, नॉइज विदाउट फीडबैक, और NF का मतलब है, प्रॉपर टाइम लेना है स्टूडेंट्स। देखिए कुछ बातें मैक्सिमम जो हो सकता है स्टूडेंट, जो मैं आपको रिलेट करवा सकता हूँ वो मैं करवाता जा रहा हूँ,
जैसे यहाँ ऑक्सीलेटर अभी पढ़ाया नहीं है, ऑक्सीलेटर जैसे ही आएगा तो रिलेट आप कर ले जाओगे। मैं वहाँ पर ये बातें फिर से रिपीट करूँगा और बहुत प्रॉपर वे में इसका एक्सप्लेनेशन दूंगा, राइट। कंट्रोल सिस्टम एप्लीकेशन मैं यहाँ पढ़ा नहीं सकता, लेकिन जो बात मैं आपको एग्जाम्पल में बता सकता था वो मैंने बताई है, ऑटोमेटिक आयरन प्रेस। बाकी बातें आप समझ रहे होंगे, राइट। तो एक एक करके चीज़ें आपसे यहाँ समझेंगे। NF का मतलब है नॉइज विद फीडबैक। तो आपको क्लियर हो रहा होगा इस बार नॉइज बढ़ गई है और आप हमेशा सिस्टम में नॉइज कम से कम रखना चाहते हैं। नॉइज जितनी कम होगी उतना हमारे लिए परफॉर्मेंस अच्छी होगी। तो यहाँ मुझे लिखना चाहिए यूजिंग पॉजिटिव फीडबैक, यूजिंग पॉजिटिव फीडबैक नॉइज विल इंक्रीज। तो ये हमारे पास डिसएडवांटेज है, ठीक है, नॉइज बढ़ रही है। डिवाइस नॉइजी कम से कम होनी चाहिए, लेकिन यहाँ डिवाइस नॉइजी हो रही है। अगला अगर मैं बोलूँ 6 नंबर पॉइंट, जस्ट कंपेरिजन कर रहे हैं हम लोग, अगर मैं यहाँ पर 6 नंबर पॉइंट की बात करूँ तो देखिए स्टूडेंट्स, डिस्टॉर्शंस भी हम देखते हैं कई बार हमारे पास आउटपुट्स में डिस्टॉर्शन दिखने लगते हैं। तो अगर मैं डिस्टॉर्शन के लिए रिलेट करूँ तो डी ऑफ एफ की वैल्यू आती है फीडबैक लगाने के बाद। कैसा फीडबैक लगा रहे हो आप? निगेटिव फीडबैक। अगर आप निगेटिव फीडबैक लगा रहे हैं तो इसका मतलब है डी अपॉन 1 प्लस ए बीटा। माई डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं यहाँ कंपेरिजन करूँ तो 1 प्लस ए बीटा से आपको ये बात समझ में आ रही होगी कि ये जो 1 प्लस ए बीटा है ये वैल्यू ज़्यादा है 1 से, और अगर ये वैल्यू बढ़ रही है डिनोमिनेटर की तो डी ऑफ एफ डिस्टॉर्शन विथ फीडबैक घट रहा होगा। इसका मतलब निगेटिव फीडबैक में डिस्टॉर्शन घटेगा, या मैं ऐसा बोलूँ डी ऑफ एफ लेस देन डी होगा। आप तुलना कर पा रहे हैं, डी में अगर भाग दे दिया है स्टूडेंट्स तो इसका मतलब है डी ऑफ एफ क्या हो गया होगा? कम हो गया होगा, राइट। इसी को समझाने के लिए मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, डी का मतलब है डिस्टॉर्शन विदाउट फीडबैक। कैपिटल डी को हम जो बता रहे हैं वो क्या है? डिस्टॉर्शन विदाउट फीडबैक। इसमें न्यूमेरिकल भी बन जाते हैं स्टूडेंट्स, बी क्लियर। आपको दे देगा डिस्टॉर्शन पहले इतना था, बेसिक एम्पलीफायर का गेन इतना था, फीडबैक फैक्टर इतना था, अब आप डिस्टॉर्शन विद फीडबैक पता करिए। तो इस पर आपको फार्मूला पता होना चाहिए। सो दैट्स वाई इंपॉर्टेंट है सारी चीज़ें, कोई भी पार्ट आप स्किप ना करें। डी का मतलब डिस्टॉर्शन विदाउट फीडबैक, डी ऑफ एफ का मतलब है डिस्टॉर्शन विद फीडबैक, डिस्टॉर्शन विद फीडबैक। अब अगर आप यहां पर समझें तो ये लाइन अब लिखी जा सकती है यूजिंग निगेटिव फीडबैक डिस्टॉर्शन विल रिड्यूस, यूजिंग निगेटिव फीडबैक डिस्टॉर्शन विल रिड्यूस, डिस्टॉर्शन आपका घट जाएगा। इसी तरह अगर हम लोग अब 6 नंबर पॉइंट यहां देखें स्टूडेंट्स, तो पॉजिटिव फीडबैक में डी ऑफ एफ के फार्मूले में क्या बदलाव होने वाला है? अरे बोलो स्टूडेंट्स, डी ऑफ एफ अपने माइंड पर आप सोचें, आप सामने नहीं है, डी ऑफ एफ की वैल्यू क्या बननी चाहिए? डी एज इट इज पॉजिटिव फीडबैक है तो नीचे डिवाइड में क्या आना चाहिए? 1 माइनस ए बीटा, राइट। अब यहां पर अगर हम कंपेरिजन करें, राइट, कंपेरिजन करना मैंने आपको बताया है, अगर आप कंपेरिजन करें तो देखिए, सॉरी, 1 माइनस ए बीटा की वैल्यू घट रही होगी। अगर ये फैक्टर घट रहा है, राइट, तो टोटल ओवरऑल वैल्यू बढ़ जाएगी, इसका मतलब डिस्टॉर्शन विथ फीडबैक बढ़ जाएगा। अगर ये वैल्यू बढ़ गई तो अपने को लिखना चाहिए डी ऑफ एफ, फीडबैक के बाद डिस्टॉर्शन बढ़ गया तो ये अनडिजायर्ड स्टेट है, लेकिन पॉजिटिव फीडबैक में ऐसा होता है। समझाने के लिए मैं इस वैल्यू को डिक्टेट कर रहा हूँ, डी का मतलब है डिस्टॉर्शन विदाउट फीडबैक,
डिस्टॉर्शन विदाउट फीडबैक, डी ऑफ एफ का मतलब है डिस्टॉर्शन विथ फीडबैक, डिस्टॉर्शन विद फीडबैक। अपने को यहाँ जो पॉइंट लिखना चाहिए वो पॉइंट ये होगा स्टूडेंट्स, अगर मैं बात करूँ आपसे यहाँ डिस्टॉर्शन विद फीडबैक बढ़ गया है तो मैं बोल सकता हूँ, जैसे यहाँ आपने लिखा था हम लोगों ने यूजिंग पॉजिटिव फीडबैक डिस्टॉर्शन विल इंक्रीजेस, डिस्टॉर्शन विल इंक्रीज, राइट। पिछले बार डिक्रीज हुआ था, इस बार इंक्रीज हुआ है, ठीक है, डिस्टॉर्शन विल इंक्रीज। तो नाउ सी स्टूडेंट्स, अगर इस पूरी टेबल का सार निकाला जाए तो अपने को एक बात क्लियर हो रही है, निगेटिव फीडबैक का एक ही डिसएडवांटेज समझ में आ रहा है। निगेटिव फीडबैक में देखो केवल गेन ही तो घटा है, बाकी हर चीज बढ़िया हुई है, गेन घटने की वजह से, मेरी बात समझना, एक इसका डिसएडवांटेज है क्या, गेन घटा, लेकिन गेन घटने से भी बहुत ज़्यादा लॉस थोड़ी ना है, गेन घटा है तो सिस्टम लीनियर हो गया, बहुत प्रॉपर रिस्पॉन्स आ रहा है, यही तो आप चाहते हो, तो गेन घटा भी इसका एक एडवांटेज हुआ, लेकिन हमें क्या लग रहा है कि गेन ज़्यादा होता तो और अच्छा होता, तो वो तो हम पॉजिटिव फीडबैक से अचीव कर लेते, गेन घटा, बाकी देखो स्टूडेंट्स सिस्टम पर स्टेबिलिटी बढ़ गई क्योंकि सिस्टम मोर लीनियर रिस्पॉन्स देगा। डीजनरेटिव फीडबैक है पूरे कंट्रोल सिस्टम, पूरे ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम, पूरे पावर प्लांट पर, हर जगह जहां जहां ऑटोमेटिक कंट्रोल मैकेनिज्म यूज करते हो, हर जगह क्या यूज करते हो स्टूडेंट्स, निगेटिव फीडबैक। नंबर ऑफ टाइम्स इंटरव्यू क्वेश्चन कि आप कहां कहां निगेटिव फीडबैक यूज करते हैं, तो ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम में क्या यूज करते हैं स्टूडेंट्स, निगेटिव फीडबैक। इसके बाद निगेटिव फीडबैक की हेल्प से नॉइज घट रही है बढ़ रही है, नॉइज घटाना ही तो चाहते हो, तो नॉइज घट रही है विथ फीडबैक। डिस्टॉर्शन, जितना सिस्टम में डिस्टॉर्टेड वेव फॉर्म नहीं आएगी उतना अच्छा है, तो डिस्टॉर्शन जितना कम से कम हो, तो यहाँ डिस्टॉर्शन घट रहा है, तो ये भी एडवांटेज है, ये भी एडवांटेज है, कंट्रोल सिस्टम हमारे लिए हाईली डिजायरेबल टास्क है। डीजनरेटिव फीडबैक सिस्टम, ये तो सिस्टम का नाम है, सिस्टम मोर स्टेबल हो गया, तो ये सब एडवांटेज है। केवल यहाँ अगर मैं बात करूँ तो गेन बस घटा है। उल्टा सोचो जरा, पॉजिटिव फीडबैक में गेन तो बढ़ा, लेकिन गेन बढ़ने की वजह से सिस्टम की स्टेबिलिटी लेस हो गई, जिसकी वजह से ये कहाँ यूज होता है, डोलित में, टाइमर सर्किट्स में, ट्रिगर सर्किट्स में। और इसका दूसरा नाम क्या होता है, रीजनरेटिव फीडबैक। ध्यान रखना है स्टूडेंट्स, ये नाम लिखवाने की भी कुछ वजह है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन बना था ऑक्सीलेटर किस तरह का फीडबैक सिस्टम यूज करता है, ऑप्शन में पॉजिटिव और निगेटिव नहीं लिखा था माय डियर, ऑप्शन में लिखा था रीजनरेटिव फीडबैक, डीजनरेटिव फीडबैक, दोनों इनमें से कोई नहीं, तो आपको समझना होगा ऑक्सीलेटर सर्किट्स वर्क्स ऑन रीजनरेटिव फीडबैक, गेटिंग माय पॉइंट। फिर नेक्स्ट देखें, पॉजिटिव फीडबैक से नॉइज और बढ़ जाती है फीडबैक में, देखो अगर पॉजिटिव फीडबैक लिया तो नॉइज बढ़ गई तो हमारे लिए डिसएडवांटेज है, डिस्टॉर्शन बढ़ गया डिसएडवांटेज है। तो जनरली हम लोग लीनियर सिस्टम के लिए फीडबैक एम्पलीफायर यूज करते हैं, सो दैट्स वाई हमारे लिए निगेटिव फीडबैक एम्पलीफायर मोस्ट वर्सेटाइल एप्लीकेशन है जो हम लोग एम्पलीफायर एनालिसिस में यूज करते हैं। ऑक्सीलेटर और टाइमर सर्किट्स में जो यूज करते हैं वो अभी हम आगे देखेंगे, अभी जो मैं सारी बातें करूंगा वो किसके लिए ट्रू होंगी, निगेटिव फीडबैक एम्पलीफायर के लिए, राइट। तो आई थिंक यहाँ तक स्टूडेंट्स सभी को बातें क्लियर होनी चाहिए, क्लियर स्टूडेंट्स, यहाँ तक सबको डाटा क्लियर हो जाना चाहिए। ये छह डिफरेंस आपको दिमाग में रखने हैं सो दैट आगे हम लोग चीज़ों को कल्टीवेट अपने माइंड पर कर पाएं, राइट, क्योंकि ऑब्जेक्टिव पर कुछ क्वेश्चंस न्यूमेरिकल भी बन सकते हैं और यहाँ पर सेंसिटिविटी फैक्टर डिसेंसिटिविटी फैक्टर भी हमें देखना है, तो एक एक करके मैं चीज़ें स्टार्ट करूँगा। तो नेक्स्ट टॉपिक मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ स्टूडेंट्स, राइट। नेक्स्ट पहले मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि फीडबैक सिस्टम से फ़ायदा क्या होता है, और ध्यान रखना अब जो मैं पूरे चैप्टर पर जब तक मैं ऑक्सीलेटर नहीं पढ़ा रहा आपको या मल्टीवाइब्रेटर नहीं पढ़ा रहा, हर जगह मैं किस सिस्टम की बात करने वाला हूँ, निगेटिव फीडबैक। आपको याद भी होगा मैंने आपको स्टार्टिंग ऑप एम्प पर भी जब क्वेश्चंस पढ़ाए थे स्टूडेंट्स, तो वहाँ भी आपको मैक्सिमम मैंने निगेटिव फीडबैक सिस्टम पर ही क्वेश्चन कराए थे क्योंकि वो सिस्टम्स मोर स्टेबल होते हैं,
ये भी मैंने आपको बताया था। चलिए अब मैं स्टूडेंट्स आपको लीनियरिटी का एक एग्जांपल देने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप चीज़ों को समझ पाएँ कि हम कैसे सिस्टम को मोर लीनियर या स्टेबल बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ऐसा क्या होता है कि आप अप्रोक्सीमेशन करके इसको लीनियर सिस्टम में कन्वर्ट करते हैं और किसकी हेल्प से करते हैं। ठीक है, क्योंकि ये बेसिक बेसिक बातें हैं जो अपने को क्लियर होनी चाहिए स्टूडेंट्स। और अभी तक हमने केवल और केवल निगेटिव फीडबैक और पॉजिटिव फीडबैक में कंपैरिजन किया है स्टूडेंट्स, एक बेसिक कंपैरिजन। और ये जो टेबल आपने बनाई है ये आपके माइंड में होनी चाहिए स्टूडेंट्स, केवल 6 डिफरेंसेस हमने लिखे थे। ठीक है, 6 to 6, ये पूरे 6 के 6 डिफरेंस आपको क्लियर होने चाहिए। यही मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स यूज़ होंगे आपके एग्ज़ाम में। अब जो मैं बात आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल डिस्कशन है, लेकिन आप इसको भी बहुत प्रॉपर वे में अभी अंडरस्टैंड करेंगे। ठीक है, ताकि हम लोग आगे के कुछ न्यूमेरिकल्स भी यहाँ से देख पाएँ, क्योंकि स्टूडेंट्स मैं चाहता हूँ इस टॉपिक के थ्रू हम लोग जो फीडबैक टोपोलॉजी होती है वहाँ के जो क्वेश्चन होते हैं जनरली डिप्लोमा स्टूडेंट टच नहीं कर पाते, तो उन क्वेश्चंस को भी हम लोग कैसे समझ के कर सकते हैं ये आपको देखना है। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ विद हेडिंग एम्पलीफायर डिस्टॉर्शन। अभी हम टॉपिक में आ जाएंगे वापस, मैं पहले आपको कुछ अप्रॉक्सीमेशन से बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। एम्पलीफायर डिस्टॉर्शन, देखो नंबर ऑफ टाइम्स क्या होता है स्टूडेंट्स, अगर मैं बात करूँ ट्रांजिस्टर की या मॉसफेट की, ये जो एम्पलीफायर होते हैं राइट, ऑप एम्प भी आपको पता है इंटरनली ट्रांजिस्टर्स से हम लोग फ्रेम करते हैं, तो ये जो भी हमारे पास सर्किट्स के पर ट्रांजिस्टर या मॉसफेट बने होते हैं, तो ट्रांजिस्टर में जंक्शंस होते हैं राइट, ट्रांजिस्टर में जंक्शंस होते हैं और जंक्शंस में अवक्षय परत बनती है, डिप्लीशन रीजन बनता है, और डिप्लीशन रीजन पर जो करंट बनती हैं वो करंट डायोड करंट आपने देखी है स्टूडेंट्स राइट, तो वैसे ही वहाँ जो करंट्स बनती हैं वो नॉन लीनियरिटी फॉलो करती हैं, और अगर नॉन लीनियरिटी फॉलो करती हैं तो जो ट्रांजिस्टर बन रहा है उस पर भी जो एम्पलीफिकेशन होगा वो नॉन लीनियरिटी फॉलो करेगा। अगर वो नॉन लीनियरिटी फॉलो करेगा स्टूडेंट्स तो हमारे लिए वो बेस्ट एम्पलीफायर नहीं होगा। तो फीडबैक लगाकर हम अप्रॉक्सीमेट करके इसको लीनियर अप्लीकेशन की तरफ ले जाते हैं। देखो कैसे, मेरी बातों को अब अंडरस्टैंड करेंगे आप, मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ एक एक करके आप समझेंगे। जनरली मैं सारी बातें लिख रहा हूँ, साधारणतया जनरली एम्पलीफायर्स आर डिजाइंड विद द हेल्प ऑफ BJT, RFET, MOSFET, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर से या MOSFET से हम लोग डिजाइन करते हैं, एंड देयर आर जंक्शंस, जैसे PN जंक्शन होता है राइट, तो वैसे ही BJT में NPN ट्रांजिस्टर होगा, तो वहाँ दो जंक्शन होंगे, ऐसे ही FET पर भी जंक्शन बनेगा, या MOSFET होता तो उसमें भी जंक्शन बनता, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर में भी जंक्शन बनता है, क्योंकि तो अभी मैंने पढ़ाया नहीं है, तो केवल और केवल जो बात मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ उसका रिलेशन अभी BJT FET पर नहीं पहुँचना है, केवल इतना समझना है जो बात ऑब्जेक्टिव के लिहाज से आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। साधारणतया जो एम्पलीफायर होते हैं वो किससे डिज़ाइन करते हैं हम लोग, BJT या FET से या MOSFET से राइट, तो BJT FET या MOSFET से अगर हम डिज़ाइनिंग करते हैं तो इनमें जंक्शंस होते हैं, एंड देयर आर जंक्शंस इन दीज एम्पलीफायर्स, दैट इज डिप्लीशन, एक अवक्षय परत बनती है स्टूडेंट्स आयंस की,
दैट इज डिप्लीशन रीजन। अभी इलेक्ट्रॉनिक्स जब पढ़ाएंगे तो वहाँ प्रॉपर एक्सप्लेनेशन देखेंगे। अभी इतना आप जानते हो कि पीएन जंक्शन है ना, अगर आपने डिप्लोमा किया है तो पहली क्लास में आप सबसे पहले पीएन जंक्शन में अवक्षय परत देखते हैं। अवक्षय परत टूटती है जब आप फॉरवर्ड बायस लगाते हो, राइट। तो ये जो डिप्लीशन रीजन होती है, देयर आर जंक्शंस इन दीज एम्पलीफायर, दैट इज डिप्लीशन रीजन आर एग्जिस्टिंग, डिप्लीशन रीजन एग्जिस्ट करते हैं। सो देयर इंटरनल करेंट्स आर नॉन लीनियर। जो इसके अंदर करेंट्स बनती है वो कैसी होती है? नॉन लीनियर। सो एम्पलीफायर मेड बाय दिस इज आल्सो हैविंग नॉन लीनियर कैरेक्टरिस्टिक्स। मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, मैं क्या समझा रहा हूँ स्टूडेंट्स। आपने एक BJT लिया, FET लिया, MOSFET लिया, कुछ भी लिया, सभी के अंदर जंक्शन बनते हैं, और जो PN जंक्शन बनते हैं उन जंक्शंस पर जो अवक्षय परत होती है, अवक्षय परत पर जो इंटरनल करंट्स बनती हैं वो करंट हमेशा नॉन लीनियर होती हैं। ID बराबर I0 e की पावर VD अपॉन ईटा VT माइनस 1 डायोड की जो करंट इक्वेशन होती है। तो ये जो नॉन लीनियर करंट्स बनती हैं, तो नॉन लीनियर करंट है तो आप सोचो अगर उसी से आप एम्पलीफायर बना रहे हो तो क्या वो एम्पलीफायर लीनियर होगा? नहीं होगा। एम्पलीफायर भी कैसा होगा? नॉन लीनियर। तो आप चाहते हैं लीनियर करेक्टरिस्टिक देखना, तो देखो प्रॉब्लम समझना। मैं यहाँ पर दो एग्जांपल ले रहा हूँ स्टूडेंट्स, मैंने ये बात आपको लिखवा इसलिए दी है ताकि ओरली बोलने पर अगर आप ना समझ पाए हों तो लिखने पर आप चीज़ों को समझ पाएँ, राइट। मैं क्या बोल रहा हूँ फिर से सुने, साधारणतया जो एम्पलीफायर होते हैं वो BJT, FET या MOSFET से बनते हैं, उनके अंदर डिप्लीशन रीजन बनता है जिस पर नॉन लीनियर करंट्स बनती हैं, और नॉन लीनियर करंट्स की वजह से जो एम्पलीफायर है वो भी कैसी करैक्टरिस्टिक रखेगा? वो भी नॉन लीनियर करैक्टरिस्टिक रखेगा। बट आपको रिजल्ट सिस्टम कब स्टेबल आंसर्स देगा? जब लीनियर रीजन पर होगा। तो लीनियर बनाने के लिए, सो टू मेक लीनियर, मैं लिख देता हूं यहां पर, इसको हटा देंगे। सो टू मेक लीनियर करैक्टरिस्टिक, सो टू मेक लीनियर करैक्टरिस्टिक, सो टू मेक लीनियर करैक्टरिस्टिक्स वी हैव टू टेक some modifications with feedback configuration। देखो मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ, पहले आप यहाँ तक लिख लें, राइट। अब मैं स्टूडेंट जो चीज़ समझाऊंगा वो अब आपको प्रॉपर वे में समझ में आएगी, राइट। चलिए मैं इसको हटा देता हूँ, इसका मतलब ये था लीनियर बनाने के लिए मैं फीडबैक से कैसे बनाऊंगा लीनियर, वो आप देखना, अप्रॉक्सीमेशन कुछ लगेगा। इसको तो अभी मैं हटा देता हूं, करैक्टरिस्टिक आप देखना स्टूडेंट्स, बिल्कुल भी ऐसा ना सोचें कि ये लाइन सर अभी हमारे अंडरस्टैंड नहीं हुई, बहुत प्रॉपर वे में आप अंडरस्टैंड करोगे, बस थोड़ा सा आपको 5 मिनट टाइम देना है। मैं फिर से बता दूं स्टूडेंट्स, ऑपएम्प के बाद, अभी हम लोग ऑपएम्प पर ही हैं, लेकिन कुछ जो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, हिडन टॉपिक्स, राइट, इनका डिस्कशन, जिनका आगे के चैप्टर से अभी एसोसिएशन नहीं है, मैं सोच रहा हूँ एक साथ में इनको कवर कर दूं, ताकि जैसे ही अब मैं आपका डिवाइस वाला पार्ट स्टार्ट करूं तो इस पार्ट को फिर से उठाने की ज़रूरत ना पड़े, यहाँ पर ये पार्ट मैं कवर कर दूं आपका, राइट। चलिए सभी बोर्ड पर देखना जरा स्टूडेंट्स, मैं एक आउटपुट और इनपुट करैक्टरिस्टिक खींच रहा हूँ, आउटपुट और इनपुट करैक्टरिस्टिक, आप टाइम बस दीजिए स्टूडेंट्स,
राइट। और ये मेरा प्रॉमिस है, आपको चीज़ें समझ में आएंगी, बस थोड़ा सा टाइम देना है आपको। से दिस इज वी नॉट, दिस इज वी आई, यहां माइनस वी नॉट, ठीक है, एंड से हियर माइनस वी आई, ठीक है। देखो स्टूडेंट्स, आपने सपोज करो इनपुट वोल्टेज बढ़ाया, और इनपुट वोल्टेज बढ़ाते हुए इसकी कोई वैल्यू वी आई वन पहुंच गई। उस समय जब आप आउटपुट देखते हैं तो आउटपुट पर, तब आपको आउटपुट पर ये वैल्यू कुछ यहां दिखाई देती है, से वी नॉट वन। तो वी नॉट वन और वी आई वन वाली लाइन यहां है, इन दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट पर कैरेक्टरिस्टिक जो जारी होगी, राइट। समझना मेरी बात, आपने इनपुट वोल्टेज बढ़ाया तो आउटपुट वोल्टेज बढ़कर इतना मिला, इसका मतलब इस पॉइंट पर इनपुट वोल्टेज पर आउटपुट वोल्टेज का इंटरसेक्शन पॉइंट ये है। तो यहां अपने पास ये लाइन मिली, राइट। और इस समय जो एम्पलीफायर का गेन है इसको हम मान लेते हैं A1। क्या मान लिया हमने? A1। तो A1 का मतलब क्या है समझना, A1 का मतलब है वी नॉट वन अपॉन वी आई वन। चलो इतनी बात तो आप समझ गए होंगे। अब थोड़ी देर बाद मैंने कहा मैं फिर से वोल्टेज बढ़ा रहा हूं, मान लो मैंने वोल्टेज वी आई टू इतना ही वोल्टेज अभी और बढ़ाया, लेकिन अब मैं क्या देख रहा हूं, इस बार मेरे पास वी नॉट उतना नहीं बढ़ा, अब वी नॉट थोड़ा कम बढ़ा, इस बार वी नॉट यहां तक बढ़ा। तो अब क्या हुआ स्टूडेंट्स, आप देखें ये वाली लाइन ऐसे जानी चाहिए थी ऐसे कहीं, लेकिन ये लाइन थोड़ा सा टिल्टेड है, राइट, लाइक दिस है। तो अब जो मेरे पास स्लोप है, इस बार वी नॉट टू यहां तक पहुंचा, तो वी आई टू अगर परफेक्ट लीनियर होता तो जितना वी आई टू मैंने बढ़ाया उसी के हिसाब से वी नॉट बढ़ना चाहिए था, जितना इनपुट वोल्टेज वाली लाइन है ये, जितना इनपुट वोल्टेज बढ़ाया उतना ही आउटपुट वोल्टेज बढ़ना चाहिए था, लेकिन आप देख रहे हैं इस बार आउटपुट वोल्टेज कुछ कम बढ़ा, तो इस बार इसका स्लोप कितना है, A2 है। इतनी बात तो क्लियर हो रही होगी स्टूडेंट्स। फिर आपने इतना ही वोल्टेज फिर से बढ़ाया, VI3 बढ़ाया स्टूडेंट्स, जब, या मैं A2 की वैल्यू भी लिख देता हूं, गेन A2 बराबर क्या होगा, गेन A2 का मतलब V02 अपॉन VI2। अब मान लीजिए मैंने आपसे बोला इस बार फिर से आपने वोल्टेज बढ़ाया, लेकिन आउटपुट पर वोल्टेज और कम बढ़ा इस बार, जब ये और कम बढ़ा स्टूडेंट्स, इसका मतलब है ये लाइन ऐसे जानी चाहिए थी लेकिन ये लाइन कुछ ऐसे आ गई, इस बार इसका स्लोप ये A3 है। आप देख रहे हैं फिर आगे ऐसे कहीं जा रहा होगा अगर और वोल्टेज बढ़ाओगे। ये जो ग्राफ आ रहा है, ये अगर आप ग्राफ को देखो तो इसकी करेक्टरिस्टिक देखो, क्या ये परफेक्ट लीनियर ग्राफ है? नहीं है। A1 स्लोप, फिर A2 स्लोप, फिर A3 स्लोप। ऐसे ही मान लो मैंने स्टूडेंट्स निगेटिव में वोल्टेज बढ़ाया होता, तो मैं निगेटिव में यहाँ ये सपोज करो VI1 है निगेटिव का, उतना ही यहाँ V01 होता, ये समझ लेना ये माइनस वाली वैल्यू है, राइट। तो यहाँ मेरे पास कुछ ऐसी करेक्टरिस्टिक आ रही होती जैसा ऊपर ग्राफ है वैसा ही। मैं इसको फिर से बना देता हूँ, क्लियर बनना चाहिए, समझ में आनी चाहिए बात। मान लो यहाँ तक है, तो ये वाला स्लोप ऐसे आएगा, तो ये तो ठीक है बिल्कुल जैसा A1 था वैसा ही हो गया। अब आपने इस बार, ये सपोज V01 था, अब आपने निगेटिव में वोल्टेज फिर से बढ़ाया, से दिस इज VI2, इस बार ज़्यादा आउटपुट वोल्टेज नहीं बढ़ा, इतना ही बढ़ा, तो ये V02 है। तो अब जो करेक्टरिस्टिक थी ये आनी ऐसे चाहिए थी, लेकिन ये करेक्टरिस्टिक कैसे हो गई, लाइक दिस, आप समझ रहे होंगे। तो इसका स्लोप A1 था, अब ये वाले का स्लोप A2 है, अरे माइनस V02 अपॉन माइनस का VI2, क्लियर। इसी तरह फिर आपने कोई VI3 वोल्टेज बढ़ाया होगा इनपुट का निगेटिव पर, अब आपने देखा इस बार वोल्टेज की वैल्यू और कम बढ़ी आउटपुट पर, से दिस इज V03। तो इसका मतलब अगर ये वाली लाइन ऐसे आनी चाहिए थी, लेकिन ये लाइन
और कम होकर कुछ इस तरह से आएगी। तो आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स कि क्या ये करेक्टरिस्टिक लीनियर है क्या, मेरी बात समझना स्टूडेंट्स मैं क्या बोल रहा हूँ। एक ट्रांजिस्टर है उसके अंदर, एक ट्रांजिस्टर है उसके अंदर, जैसे जैसे मैं इनपुट वोल्टेज बढ़ा रहा हूँ वैसे वैसे आउटपुट वोल्टेज सेम प्रपोर्सन में बढ़ना चाहिए, लेकिन आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स यहाँ पर लीनियर करेक्टरिस्टिक नहीं आ रही। A1 स्लोप, फिर A2 स्लोप, फिर A3 स्लोप। A1, A2, A3 क्या है? डिफरेंट गेन, ठीक है, डिफरेंट गेन। मैंने जानबूझकर साइड में लिख दिया है, पॉजिटिव के लिए भी बना दिया, निगेटिव के लिए भी बना दिया, ताकि आपको चीज़ें दिखाई दें, ठीक है। अब मेरी बातों को समझना, इतना तो सभी समझ रहे होंगे कि ये नॉन लीनियर करेक्टरिस्टिक आ रही है, जबकि आप एम्पलीफायर पर लीनियर करेक्टरिस्टिक चाहते हो। कैसी करेक्टरिस्टिक चाहते हो? लीनियर। तो लीनियर के लिए, मेरी बातों को जरा समझना स्टूडेंट्स, अभी आपने पता किया, देखो वहां मुझे करेक्टरिस्टिक बनानी है इसलिए मैं लिख रहा हूं यहां, फॉर निगेटिव फीडबैक एम्पलीफायर। आपको यह भी पता है पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम अनस्टेबल दे देगा, तो सारी बातें किसके लिए कर रहे हैं? निगेटिव। फॉर निगेटिव फीडबैक एम्पलीफायर ए ऑफ एफ का मान कितना आ रहा था? ए अपॉन 1+ A बीटा, ठीक है। अब थोड़ा सा अप्रॉक्सीमेशन समझना, डिजाइनर क्या करे ऐसा कि करेक्टरिस्टिक लीनियर आने लगे। देखो ये करेक्टरिस्टिक लीनियर तो नहीं आ रही, अच्छा ये सब समझ रहे हो ना, ये निगेटिव में वोल्टेज है, मैंने यहाँ माइनस लिख दिया, ये भी निगेटिव में वोल्टेज है तो यहाँ माइनस लिख दिया, मैंने बार बार तीनों में माइनस नहीं दिखाया, ठीक है। अब मुझे को बताओ स्टूडेंट्स, अगर मैं ऐसा बोलूँ ए बीटा की वैल्यू, ए बीटा बहुत बड़ा हो जाए 1 से, डिज़ाइनर ने गेन इनटू फीडबैक फैक्टर का मान इतना ज़्यादा रखा है कि ए बीटा का मान 1 से बहुत ज़्यादा हो। अगर ए बीटा का मान 1 से बहुत ज़्यादा है तो क्या हम लोग ए एफ को अप्रॉक्सीमेट कर सकते हैं? बी क्लियर, अप्रॉक्सीमेट कर सकते हैं ए अपॉन 1+ A बीटा में, 1 से अगर ए बीटा बहुत ज़्यादा है तो 1 को निगलेक्ट कर दो, तो ये क्या आ गया? ए बीटा, और ए ए कैंसिल हो गया, तो क्या ये अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 1/β नहीं आ गया? बोलो, तो इसका मतलब गेन विद फीडबैक कितना आ गया स्टूडेंट्स? 1/β। माय डियर स्टूडेंट्स, नाउ सी वेरी क्लियर पॉइंट, मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं। पहला पॉइंट समझना, जब गेन, इजी वे में रिलैक्स, देखो जब अपने पास ए ऑफ एफ, मैंने जनरल बताया, जब मेरे पास A1 था और मैंने फीडबैक लगा दिया, तो फीडबैक लगाने के बाद AF1 बनेगा, फीडबैक लगाने के बाद अपने पास AF1 बनेगा, और इसका फार्मूला क्या बनेगा? A1 अपॉन 1+ A1 बीटा बनेगा, क्लियर। अरे A अपॉन 1+ A बीटा होता था, गेन अभी क्या है स्टूडेंट्स? A1, और मैंने क्या लगा दिया सिस्टम में? निगेटिव फीडबैक, तो निगेटिव फीडबैक का मतलब 1+ A बीटा फैक्टर आ जाएगा, और A की जगह क्या है? हर जगह A1, और ये क्या है? AF1। आप बताओ अगर A1 बीटा, समझना स्टूडेंट्स, A1 बीटा इज वेरी वेरी ग्रेटर देन 1, अगर ये बहुत ज़्यादा है 1 से, तो क्या A1 अपॉन A1 बीटा अप्रॉक्सीमेट हो जाएगा? A1 अगर कैंसिल हो गए तो क्या ये अप्रॉक्सीमेट होकर 1/β आ जाएगा? पहली बात समझना, तो अगर आपने A1 वाले पर फीडबैक लगा दिया तो इसका मतलब AF1 क्या आ जाएगा? 1/β। दूसरी बात, अगर इसी तरह से जब मैं गेन 2 के लिए बात करूंगा फीडबैक, तो A ऑफ F2 बराबर, गेन पहले क्या था? A2, 1+ A बीटा, तो गेन के लिए A2 बीटा, फीडबैक फैक्टर सबके लिए सेम है, तो अब जब A2 है तो फिर से अप्रॉक्सीमेशन करो। अब क्या करोगे आप? A2 बीटा डिजाइनर क्या बनाएगा? वेरी वेरी ग्रेटर देन 1, अगर ये 1 से बहुत ज़्यादा है तो क्या इसको लमसम अप्रॉक्सीमेट करके A2 अपॉन A2 बीटा लिख सकते हैं स्टूडेंट? A2 से A2 कैंसिल हो गया, और अपन क्या बोल सकते हैं इसको भी? 1/β। इसी तरह नाउ स्टूडेंट्स, अगर मैं तीसरी टॉक भी आपसे करूं AF3, तो बताइए क्या A3 अपॉन 1+ A3 बीटा हो जाएगा? अप्रॉक्सीमेशन समझना, अच्छा ये बात सबको क्लियर है क्यों यहाँ A1 लिखा है?
क्यों इसमें ए टू लिखा है और क्यों इसमें ए थ्री लिखा है, अलग अलग मैं बात कर रहा हूँ। और बार बार वन प्लस ए बीटा में वन प्लस ए थ्री बीटा आ गया इस बार, तो फिर से बार बार ए थ्री बीटा इज वेरी वेरी ग्रेटर देन वन। अगर ये अप्रॉक्सीमेशन मैं बना लूँ तो स्टूडेंट लमसम ए थ्री अपॉन ए थ्री बीटा हो जाएगा, और आप जानते हैं ए थ्री कैंसिल, तो ये वन अपॉन बीटा हो जाएगा। इसका भी स्लोप वन अपॉन बीटा, इसका भी स्लोप वन अपॉन बीटा। नाउ सी, अगर तीनों पर ए एफ वन का स्लोप वन अपॉन बीटा, ए एफ टू का स्लोप वन अपॉन बीटा, ए एफ थ्री का स्लोप, देखो यहां स्लोप कितना था ए वन, यहां फिर स्लोप बदल गया ए टू, यहां स्लोप बदल गया ए थ्री, लेकिन क्या फीडबैक लगाने के बाद माय डियर स्टूडेंट्स तीनों का स्लोप वन अपॉन बीटा वन अपॉन बीटा वन अपॉन बीटा है? यस। इसका मतलब अगर मैं आपसे बोलूं कि आप यहां पर कैरेक्टरिस्टिक देखें आउटपुट वोल्टेज और इनपुट वोल्टेज पर, स्पेस कम है स्टूडेंट्स, मैं यहां पर ग्राफ थोड़ा छोटा बनाकर दिखा रहा हूं, ठीक है। से दिस इज वी नॉट, यहां माइनस का वी नॉट होगा, ठीक है। इसी तरह अगर मैं इनपुट वोल्टेज की बात कर रहा हूं, से दिस इज वी आई, और यहां पर निगेटिव पर इनपुट वोल्टेज होगा माइनस का वी आई, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए क्या होगा, मैं फिर से आपको करेक्टरिस्टिक की बातें कर रहा हूं स्टूडेंट्स, समझेंगे आप। जब आपने वी आई वन इनपुट बढ़ाया, इनपुट वोल्टेज बढ़ाने पर आउटपुट वोल्टेज भी बढ़ेगा, लीनियरली बढ़ा और इसका स्लोप आ गया वन बाई बीटा, तो ये जिस पॉइंट पर कट करेगा वो एक स्ट्रेट लाइन है जिसका स्लोप कितना है वन बाई बीटा। ध्यान से सुनना, ये था वी नॉट वन। अब क्या हुआ, फीडबैक के बाद है ये, अब आपने फिर से वी आई टू वोल्टेज इनपुट पर वोल्टेज बढ़ाया, आउटपुट पर भी वोल्टेज बढ़ गया, इस पॉइंट पर इंटरसेक्शन आया, दिस इज कॉल्ड वी नॉट टू। आपने फिर इनपुट वोल्टेज बढ़ाया वी आई थ्री, आउटपुट वोल्टेज फिर बढ़ गया, दिस इज कॉल्ड वी नॉट थ्री। अब देखो स्टूडेंट्स, इस बार जो लाइन आ रही थी यहाँ इंटरसेक्शन, क्या ये लाइन स्ट्रेट बिल्कुल सीधी ऐसे ही जा रही है? इसके बाद फिर ये लाइन बिल्कुल सीधी ऐसे ही जा रही है। इसका मतलब पहले वाले का स्लोप भी कितना था वन अपॉन बीटा, दूसरे वाले का स्लोप भी कितना है वन अपॉन बीटा, तीसरे वाले का स्लोप भी कितना है वन अपॉन बीटा। तो क्या मैं कंक्लूजन कह सकता हूँ इस पूरे लाइन का स्लोप वन अपॉन बीटा है? और अगर पूरे लाइन का स्लोप वन अपॉन बीटा है तो क्या ये स्टूडेंट्स लीनियर एप्लीकेशन नहीं हो गया? ऐसे ही सोचो, अगर निगेटिव पर भी हमने वोल्टेज बढ़ाया होता तो स्टूडेंट्स वी आई वन के साथ यहाँ वी नॉट वन मिलता, ये लाइन बिल्कुल स्ट्रेट आती। वी आई टू के साथ जितना मैं इनपुट पर निगेटिव वोल्टेज बढ़ाता उतना ही आउटपुट पर निगेटिव वोल्टेज बढ़ता वी नॉट टू, क्लियर? फिर लाइन कैसे आती स्ट्रेट। फिर आप अगर वी आई थ्री तक बढ़ाते तो इसके बाद ये वैल्यू वी नॉट थ्री तक बढ़ती, अभी भी लाइन कैसे आती लीनियर। और इसके बाद का एप्लीकेशन जब मैं स्टूडेंट्स ये वैल्यू देख रहा हूँ, इसके बाद जो भी लाइन होती राइट आगे, अभी मेरे को मतलब है मैंने ए थ्री तक देखा है, तो आप मुझे बताइए स्टूडेंट्स क्या ये पूरी लाइन, ये जो पूरी लाइन है अगर मैं स्केल लेकर खींचूं तो क्या इस पूरे का स्लोप वन अपॉन बीटा नहीं होगा? तो आप बताइए स्टूडेंट्स, नॉर्मल सिस्टम मेरे लिए हेल्पफुल है लीनियर बनाने के लिए या फीडबैक सिस्टम? तो अगर आप फीडबैक सिस्टम में कुछ अप्रॉक्सीमेशन कर दें तो फीडबैक सिस्टम रिस्पॉन्स कैसा दे रहा है, लीनियर। तो माई पॉइंट इज यूजिंग निगेटिव फीडबैक सिस्टम कैरेक्टरिस्टिक कैन बी मॉडिफाइड इनटू लीनियर एप्लीकेशन। सो सिस्टम स्टेबिलिटी इज मोर, सो सिस्टम बिकम्स मोर स्टेबल, इसलिए इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। सिस्टम बिकम्स
मोर स्टेबल, राइट। तो आपको क्लियर हो रहा होगा स्टूडेंट्स, एम्पलीफायर पर नॉन लीनियरिटी अगर होती है, डिस्टॉर्शंस होते हैं, लेकिन फीडबैक सिस्टम की वजह से, निगेटिव फीडबैक पे अगर हम प्रॉपर अप्रॉक्सीमेशन कर दें तो हमारे पास ये पूरी लाइन कैसी हो जाती है, लीनियर लीनियर। इसके बाद का डिस्कशन ये इसलिए नहीं किया क्योंकि स्टूडेंट्स अब आगे मेरे पास इसकी एक रेंज होगी, अपनी सप्लाई वोल्टेज से ज़्यादा नहीं, तो हम प्रॉपर लीनियर एप्लीकेशंस की बात कर रहे हैं। ऐसे यहाँ अगर मैं बात करूँ तो देखो, अगर आपने फीडबैक नहीं लगाया स्टूडेंट्स तो यहाँ तक तो कुछ लीनियर दिख रहा है, लेकिन फिर आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स A2, A3, इस पूरे को देखें तो यहाँ पर नॉन लीनियरिटी है, यहाँ भी नॉन लीनियरिटी है। सो दैट्स वाई दिस सिस्टम नॉन लीनियर है और ये सिस्टम लीनियर है। तो आप लीनियर सिस्टम को प्रेफर करना चाहते हैं स्टूडेंट्स, तो निगेटिव फीडबैक से बहुत प्रॉपर एक एम्पलीफिकेशन फैक्टर, जो एम्पलीफिकेशन रीज़न है, लीनियर रीज़न है, इस पर काम करने वाला सिस्टम आपने डिज़ाइन कर लिया है। अब मैं इसमें स्टूडेंट्स आपको जो पॉइंट समझाने की कोशिश कर रहा था वो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि क्यों सिस्टम मोर स्टेबल होता है लीनियर एप्लीकेशन पर होता है, राइट। अब मैं इस पर स्टूडेंट्स सेंसिटिविटी और डीसेंसिटिविटी फैक्टर पर जा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ से सेंसिटिविटी फैक्टर और डीसेंसिटिविटी फैक्टर से आपके एग्जाम में न्यूमेरिकल्स ट्रेस होते हैं, राइट। तो यहाँ से आप सेंसिटिविटी फैक्टर और डीसेंसिटिविटी फैक्टर पर मूव करते हैं। अब आप देखें यहाँ पर ये जो टॉपिक था अपना सेंसिटिविटी एंड डीसेंसिटिविटी फैक्टर। सेंसिटिविटी का जैसा नाम ही बता रहा है स्टूडेंट, सुग्राहिता, सेंस करने की क्षमता, राइट। तो सेंसिटिविटी फैक्टर और डीसेंसिटिविटी फैक्टर फीडबैक एम्पलीफायर में क्या है, इस बात को अब आप समझेंगे। अगर मैं गणितीय रूप में बात करूं तो मैथमेटिकली मैं लिख देता हूं, मैथमेटिकली इट मे बी डिफाइंड एज मैं प्रूफ करके भी दिखाऊंगा इसको, डिफाइंड एज रेशियो ऑफ चेंज इन गेन आफ्टर फीडबैक टू द चेंज इन गेन बिफोर फीडबैक, राइट। सेंसिटिविटी को हम लोग गणितीय रूप में कितना स्मॉल चेंज हो रहा है गेन आफ्टर फीडबैक AF के रेशियो पर, AF में कितना बदलाव हो रहा है, और अगर मैं चेंज इन गेन की बात करूं A पर कितना चेंज इन गेन हो रहा है, इन दोनों के अनुपात को हम सेंसिटिविटी कहते हैं। और सेंसिटिविटी फैक्टर की वैल्यू जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये 1/1 + A β आएगी। अभी मैं इसको बता रहा हूँ कैसे आएगा ये, अभी पहले आप इतना समझो, ये डाटा अभी आप देखेंगे कैसे 1/1 + A β आया, धीमे धीमे एक एक करके बातों को समझना। देखो स्टूडेंट्स, अगर मैं बात करूँ कि आखिर ऐसा कौन सा फैक्टर है जिससे हमारे पास निगेटिव फीडबैक में वैल्यू रिड्यूस होती हैं, तो इन निगेटिव फीडबैक गेन नॉइस एंड डिस्टॉर्शन, थोड़ा सा टाइम दें स्टूडेंट्स, डिस्टॉर्शन विल डिक्रीज बाई ए फैक्टर ऑफ 1 + A β। देखो स्टूडेंट्स, होता क्या है, हमारे पास अगर हम बात करें किसी ट्रांजिस्टर की, FET की, MOSFET की, तो इसके अंदर जंक्शंस होते हैं और जंक्शन पर अपना बिल्ट इन पोटेंशियल होता है।
तो जैसे जैसे तापमान चेंज होगा बिल्ट इन पोटेंशियल में चेंजेज आते हैं, तो इसकी वजह से हमारा जो ऑपरेटिंग पॉइंट होता है वो शिफ्ट होता है। तो इसको स्टेबलाइज करने की हम कोशिश कर रहे हैं, मतलब अगर कुछ बदलाव हुआ, अगर कुछ बदलाव हुआ जरा समझना, मान लीजिए लेट पहले जो गेन था अपने पास क्या था, ए था, लेकिन तापमान में कोई चेंज हुआ तो अब जो अपने पास नया गेन है वो क्या हो गया, ए में कुछ बदलाव हो सकता है, या तो वो बढ़ सकता है या घट सकता है, ए प्लस माइनस। तो ए में कुछ चेंज हुआ प्लस माइनस, और ये चेंज बहुत ज़्यादा तो नहीं होगा, स्मॉल वैल्यू होगा, तो जिसको हम डेल्टा ए या डी ए से डिनोट कर रहे हैं, तो ए प्लस माइनस डी ए, किसकी वजह से, ड्यू टू टेम्परेचर चेंज। गेटिंग माई वर्ड्स? इसी तरह अब मैं बात करूँ गेन विथ फीडबैक की, तो फीडबैक पर जो गेन था वो एक्चुअल में ए एफ होता था। जब स्टूडेंट्स इसमें बदलाव हुआ तो ए एफ में भी कुछ बदलाव होगा, उस बदलाव को हम क्या कह रहे हैं, प्लस माइनस डी ए एफ। तो अगर मैं बात करूँ सेंसिटिविटी की, आप मेरी बात को समझेंगे, सेंसिटिविटी ये बताता है चेंज इन गेन जो डी ए है ए के सापेक्ष, और ए एफ में जो चेंज इन गेन हुआ फीडबैक में डी ए एफ के सापेक्ष, अगर इसका इसके साथ अनुपात निकाला जाए तो वो बताता है स्टूडेंट्स इसकी सुग्राहिता, इसकी सेंसिटिविटी, मतलब इन दोनों का अनुपात, इसमें बदलाव की वजह से इसमें कितना बदलाव हुआ, यही कहलाता है सेंसिटिविटी, राइट। और ये किसकी वजह से होता है, ड्यू टू टेम्परेचर चेंज। मैं लिख देता हूं, ड्यू टू टेम्परेचर चेंज, मैं अभी इसमें वापस आ रहा हूं, ड्यू टू टेम्परेचर चेंज देयर विल बी सम चेंज इन गेन, एंड ड्यू टू दिस इन निगेटिव फीडबैक सिस्टम देयर विल ऑल्सो बी चेंज इन गेन विद फीडबैक, राइट। अगर तापमान में कुछ बदलाव होगा तो इसकी वजह से गेन ए की जगह क्या हो गया, ए प्लस माइनस डी ए, कुछ स्मॉल चेंज। इसी तरह गेन विद फीडबैक में बदलाव क्या होगा, प्लस माइनस डी ए। तो हमें पता करना है स्टूडेंट्स इसकी वजह से इसमें कितना बदलाव हो रहा है, राइट, क्या ये बदलाव कितने फैक्टर का है, राइट। तो अगर इस बात को हमें समझना है तो मैं एक छोटा सा डेरिवेशन इसमें करा रहा हूँ, थोड़ा सा पेशेंस रखना है, डेरिवेशन से रिजल्ट क्लियर होगा। उसके पहले ये जो मैंने डाटा लिखा है इसका भी मतलब समझ लो। निगेटिव फीडबैक में आपने देखा था गेन, नॉइज और डिस्टॉर्शन, ये तीनों ही 1 प्लस ए बीटा फैक्टर से रिड्यूस हो रहे थे। मतलब अगर मैं ए ऑफ एफ की बात करूं माय डियर, तो ए अपॉन 1 प्लस ए बीटा था। ऐसे ही अगर मैं बात करूं एन एफ, नॉइज विथ फीडबैक, तो एन एफ की वैल्यू थी एन अपॉन 1 प्लस ए बीटा। अगर मैं बात करूं डिस्टॉर्शन की, राइट, तो डिस्टॉर्शन विथ फीडबैक डी अपॉन 1 प्लस ए बीटा। यस, आपने देखा था स्टूडेंट्स गेन घटा, नॉइज घटी, डिस्टॉर्शन घटा, कितने फैक्टर से घटा, 1 प्लस ए बीटा। तो इसका मतलब ये जो फैक्टर है ये डिसेंसिटाइज कर रहा है, राइट, ये डिसेंसिटाइज करने वाला फैक्टर है। दैट्स वाई 1 प्लस बीटा इज आल्सो कॉल्ड डिसेंसिटिविटी फैक्टर, 1 प्लस ए बीटा इज आल्सो कॉल्ड, क्योंकि जो भी बदलाव हो रहा है किसकी वजह से हो रहा है, 1 प्लस ए बीटा, तो इसी को हम क्या कहते हैं, 1 प्लस ए बीटा इज आल्सो कॉल्ड डी सेंसिटिविटी फैक्टर, राइट, इसको हम बोलते हैं डी सेंसिटिविटी फैक्टर। चलो, और अब मैं सेंसिटिविटी फैक्टर को निकालने के लिए बेसिक बातों से चीज़ें स्टार्ट करता हूँ। थोड़ा सा रिलैक्स, बिल्कुल कूल रहें स्टूडेंट्स, इतनी बात बस दिमाग में रखें, अगर गेन ए की मैं यहाँ बात कर रहा हूँ तो ए में बदलाव हो गया ए प्लस माइनस डी ए, इसी तरह इसकी वजह से गेन विथ फीडबैक में जो बदलाव हुआ होगा वो कहलाएगा
ए एफ प्लस माइनस डी ए एफ। तो जरा समझें, अगर आपसे बात की जाती है निगेटिव फीडबैक सिस्टम की, तो ए एफ का मतलब होता है ए अपॉन वन प्लस ए बीटा। या मैं आपसे बोलूं कि मुझे अगर स्मॉल वैल्यू को जज करना है, डी वाली वैल्यू को, तो इसके लिए इस समीकरण एक पर अवकलन की प्रॉपर्टी यूज की जा सकती है। जैसे डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू ए, एक बहुत कमाल का रिजल्ट आएगा, राइट? थोड़ा सा टाइम दें। जब आप ए के सापेक्ष इसका अवकलन करेंगे, ये तो बात आप सभी जानते हैं, ए एफ बराबर ए अपॉन वन प्लस ए बीटा। तो अगर यहां आप ए के सापेक्ष अवकलन करें, तो डी बाई डी ए एफ के साथ, राइट, बराबर। अब यहां ए के लिए अंश और हर, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बन रहा है, तो पहले स्टूडेंट्स हर एज इट इज, डिनोमिनेटर एज इट इज लिखिए, इनटू अंश का अवकलन डी बाई डी ए ऑफ ए माइनस। अब देखें आप, न्यूमरेटर अंश एज इट इज इनटू डी बाई डी ए ऑफ वन प्लस ए बीटा, राइट, और डिवाइड करें हर का स्क्वायर या डिनोमिनेटर का स्क्वायर वन प्लस ए बीटा का होल स्क्वायर। बहुत छोटा सा अवकलन था, घबराने की जरूरत नहीं है, राइट, इजी वे में आप इसको लिख सकते हैं। तो यहां से देखिए, मैंने ए के सापेक्ष अवकलन किया था तो डी ए एफ बाई डी ए आया था, ठीक है। नाउ सी स्टूडेंट्स, इज इक्वल टू वन प्लस ए बीटा, ठीक है, इंटू डी बाई डी ए ऑफ ए, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स मतलब वन, माइनस ए एज इट इज। अब आप देख रहे हैं वन का अवकलन जीरो हो जाएगा, और ए बीटा का अवकलन करें तो बीटा बाहर और ए का वन, तो इसका मतलब यहां केवल और केवल बीटा आ जाएगा, डिवाइडेड बाई वन प्लस ए बीटा का होल स्क्वायर। मैं फिर से कह रहा हूं स्टूडेंट, थोड़ा भी पेशेंस रखें, फाइनल रिजल्ट आने दें ताकि आपको चीजें क्लियर हो। डी ए एफ अपॉन डी ए की वैल्यू हम लिखने जा रहे हैं, डी ए एफ अपॉन डी ए दैट शुड बी इक्वल टू वन प्लस ए बीटा माइनस ए बीटा अपॉन वन प्लस ए बीटा का होल स्क्वायर। ए बीटा कैंसिल, या डी ए एफ अपॉन डी ए बराबर वन अपॉन वन प्लस ए बीटा का होल स्क्वायर। आप सभी जानते हैं वन प्लस ए बीटा का होल स्क्वायर का मतलब वन प्लस ए बीटा को दो बार भी लिखा जा सकता है। देखो ऐसा क्यों लिख रहे हैं, अगर आप इक्वेशन फर्स्ट को देखें, देखो एक कंपैरिजन बन रहा है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट देखिए, ए एफ में अगर मैं ए का भाग दे दूं, ए एफ में अगर मैं ए का भाग दे दूं, राइट, मतलब इस ए को यहां नीचे ले जाऊं, तो क्या ये वैल्यू वन अपॉन वन प्लस ए बीटा है? नाउ सी माय डियर, यहां स्टूडेंट्स जब आप देखेंगे, बहुत सिंपल सा रिजल्ट आपको समझ में आ रहा होगा, मैं अगर इस वन अपॉन वन प्लस ए बीटा को वन अपॉन वन प्लस ए बीटा, ये जो अपने को डाटा दिख रहा है, इस डाटा को ए एफ अपॉन ए से रिप्रेजेंट कर दूं, तो क्या, ध्यान से देखें, डी ए एफ अपॉन डी ए बराबर, राइट, बहुत सिंपल सी मैथमेटिक्स है स्टूडेंट्स, राइट, टेंशन नहीं लेनी है, फाइनल रिजल्ट से ही मतलब होता है, बट थोड़ा सा छोटा सा डेरिवेशन है, वो मुझे लगता है आसान है, जिसको आप समझ सकते हैं, बराबर। मैंने क्या किया, 1 अपॉन 1 प्लस ए बीटा के होल स्क्वायर को दो बार लिख दिया, और 1 अपॉन 1 प्लस ए बीटा को हम क्या लिख सकते हैं, ए एफ अपॉन ए, ए एफ अपॉन ए, राइट, और बचा आप क्या था, इंटू 1 अपॉन 1 प्लस ए बीटा, राइट। आप मेरी बात ध्यान से सुनना स्टूडेंट्स, मैं निकालने की क्या कोशिश कर रहा हूं, अगर मैं इस डी ए एफ में, ध्यान से देखें, डी ए एफ में ए एफ का भाग दे दूं, सभी समझ रहे हैं, इस ए एफ को नीचे ले गया और इस डी ए को ऊपर ले गया, तो बराबर डी ए अपॉन ए
डिवाइडेड बाय 1 प्लस ए बीटा आ गया, राइट। एक बात और देखो, यहां से एक इंटरेस्टिंग रिजल्ट क्या है, डी ए एफ अपॉन ए एफ का मतलब क्या है स्टूडेंट्स, जब मैं बात कर रहा हूं गेन विद फीडबैक में, जो चेंज आ रहा है, चेंज इन गेन विद फीडबैक, या जब हम फीडबैक लगाने के बाद चेंज देख रहे हैं, तो उसमें पुराना जो हमारे पास गेन था वो 1 प्लस ए बीटा फैक्टर से इंप्रूव हो गया, राइट। क्योंकि 1 प्लस ए बीटा का मतलब ये वैल्यू बढ़ेगी तो ये ओवरऑल वैल्यू घटेगी, इसका मतलब आप समझ पा रहे होंगे, अगर स्टूडेंट्स पहले एम्पलीफायर के गेन में डीए का बदलाव था, तो फीडबैक लगाने के बाद इसमें कमी आएगी, इसका मतलब डी ए एफ बाई ए एफ हमेशा कम आएगा, क्योंकि 1 प्लस ए बीटा फैक्टर से ये क्या हो रहा है, इम्प्रूव हो रहा है। और आप जानते हैं अगर मैं परसेंटेज में पूछता, न्यूमेरिकल्स में कई बार पूछा जाता है परसेंटेज कैलकुलेट, परसेंटेज डी ए एफ अपॉन ए एफ, राइट, चेंज इन गेन आफ्टर फीडबैक, अगर आपसे परसेंटेज में पूछा जाए तो डी ए बाई ए अपॉन 1 प्लस ए बीटा, और ये जो फैक्टर है या तो ये परसेंटेज में दिया हो, अदरवाइज 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो ये स्टूडेंट्स अपने पास फाइनल रिजल्ट होगा परसेंटेज के लिए, क्लियर। इस तरह से आपको कैलकुलेशन करनी है। दूसरी बात, एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट ये भी है जो मुझे पता करना था, सभी बोर्ड पर देखो केवल, अगर मैं इस रेशियो पर डी ए बाई ए का भाग दे दूँ, तो क्या यही हमारे पास सेंसिटिविटी नहीं थी? तो देखिए, सेंसिटिविटी निकालने के लिए मैं यहाँ पर ये भी बोल सकता हूँ, कि आप इस रिज़ल्ट पर, ठीक है, मैंने कहा था स्टूडेंट्स ये ड्राई होकर आ जाएगा आसानी से, आप इस रिज़ल्ट पर सिंपली आपको क्या करना है, देखिए स्टूडेंट्स, अगर आप सुग्राहिता चाहते हैं तो सेंसिटिविटी का फार्मूला मैंने अभी आपको बताया, लिख देता हूं मैं इसको, सेंसिटिविटी के लिए आपको डी ए एफ अपॉन ए एफ में किसका भाग देना है, डी ए अपॉन ए का, तो सेंसिटिविटी का मतलब है चेंज इन गेन आफ्टर फीडबैक टू द चेंज इन गेन बिफोर फीडबैक का अनुपात, और जब आप इसमें इसका भाग देंगे तो बचेगा क्या, 1 अपॉन 1 प्लस ए बीटा। तो ये भी आपके पास एक फार्मूला बन जाता है। तो कभी डायरेक्टली आपसे सेंसिटिविटी फैक्टर पूछ ले तो सेंसिटिविटी फैक्टर की कैलकुलेशन क्या होगी, 1 अपॉन 1 प्लस ए बीटा। और समटाइम्स न्यूमेरिकल में अगर बोले डी सेंसिटिविटी फैक्टर, तो आप मैथमेटिकली याद रखें डी सेंसिटिविटी फैक्टर इज रेसिप्रोकल ऑफ सेंसिटिविटी फैक्टर, राइट, रेसिप्रोकल ऑफ सेंसिटिविटी फैक्टर। और ये फार्मूला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स ऑब्जेक्टिव बिट्स के लिए। ऑब्जेक्टिव में नंबर ऑफ टाइम्स ऐसा एक क्वेश्चन फ्रेम हो जाता है, कैलकुलेट परसेंटेज डी ए एफ बाई ए एफ, या बोल देता है ओवरऑल फीडबैक के लिए कितना चेंज इन गेन आ रहा है, तो उसकी कैलकुलेशन करने का तरीका क्या है, डी ए बाई ए अपॉन 1 प्लस ए बीटा, राइट, और परसेंटेज के लिए 100 का मल्टीप्लाई, अगर ये पहले से ही प्रतिशतता में है तो 100 का मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं होती, राइट। तो ये मेरे को ऐसा लगता है स्टूडेंट्स, अगर इस पर न्यूमेरिकल बने तो अब आप कर सकते हैं। और सेंसिटिविटी का फिजिकल सिग्निफिकेंस आप समझ गए होंगे कि यदि तापमान में कुछ बदलाव हुआ तो गेन में बदलाव होगा, इसको कम करने के लिए हम निगेटिव फीडबैक सिस्टम लगा रहे हैं, जिससे देखो पहले जो गेन था फीडबैक पर ए एफ, इसके साथ अब जो बदलाव आएगा वो कम आएगा। तो आपने डी ए एफ बाई ए एफ की जो वैल्यू निकाली है वो नॉर्मल गेन में जो बदलाव था उससे 1 प्लस ए बीटा फैक्टर रिड्यूस हो जाती है। देखो इधर बोर्ड पर देखो, 1 प्लस ए बीटा वैल्यू हाई होगी, 1 प्लस ए बीटा वैल्यू हाई होगी, और अगर डिनोमिनेटर हाई है तो ये ओवरऑल वैल्यू क्या होगी अपने पास, रिड्यूस होगी। और यही तो हम चाहते हैं स्टूडेंट्स, इसका मतलब आप चाहते हैं इसको
इतना फैक्टर और रिड्यूस कराना। तो अगर आप फीडबैक सिस्टम यूज कर रहे हैं स्टूडेंट्स, तो लीनियरिटी और स्टेबिलिटी वाला मैंने टर्म आपको बताया था, सिस्टम मोर लीनियर होगा, मोर स्टेबल होता जाएगा। सो दैट्स वाई मेरे को ऐसा लगा कि अगर ऑब्जेक्टिव पर ये क्वेश्चन भी फ्रेम होता है तो आप इस फार्मूले को भी अब जानते रहें। तो सेंसिटिविटी का मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन मैंने आपको बता दिया, रेशियो ऑफ चेंज इन गेन आफ्टर फीडबैक टू द चेंज इन गेन बिफोर फीडबैक, प्रतिशतता के लिए आप देख सकते हैं। और हर जगह स्टूडेंट्स बाय डिफॉल्ट 1+A बीटा फैक्टर ही चल रहा है, राइट? तो 1+A बीटा फैक्टर से ही इंप्रूवमेंट होगा। ध्यान दें, हर न्यूमेरिकल में आपको केवल और केवल निगेटिव फीडबैक सिस्टम पर ही क्वेश्चंस फ्रेम होंगे। हर जगह निगेटिव फीडबैक सिस्टम पर ही आपके पास एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा, क्योंकि पॉजिटिव फीडबैक में सिस्टम स्टेबल नहीं रहता। तो इसलिए स्टूडेंट्स इनको बहुत प्रॉपर वे में आपको कंप्लीट करना है। मैं एक न्यूमेरिकल लेता हूँ यहाँ से, राइट? कुछ 1 or 2 न्यूमेरिकल्स भी आप देख लें। न्यूमेरिकल्स हालांकि देखते समय ऐसा लगता है कि न्यूमेरिकल टफ है, लेकिन इजी वे में आप कर सकते हैं। मैं भी आपको इसको कराता हूँ ताकि आपको प्रॉपर क्लियरेंस मिले और ईजी वे में आप क्वेश्चन को कर पाए, ठीक है स्टूडेंट्स? कुछ क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस सेल्फ भी कर सकते हैं, क्योंकि डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पर, कुछ बहुत हार्ड क्वेश्चंस नहीं होते। एज इट इज़ फार्मूले पर वैल्यू पुट करनी होती है। और इसके बाद का जो टॉपिक है वो बहुत इंटरेस्टिंग होता है, मिक्सर और सैम्पलर के साथ टोपोलॉजी पहचानना। 4 तरह के जो एम्पलीफायर होते हैं उनका नाम कैसे किया जाता है, नामकरण करना, नॉमनक्लेचर, राइट? जैसे केमिस्ट्री में आप 12th लेवल पर पढ़ते थे नॉमनक्लेचर, वैसे ही यहाँ पर टोपोलॉजी के कैसे नॉमनक्लेचर को किया जाता है अब आप देखेंगे, ठीक है? मैं स्टूडेंट्स जिस न्यूमेरिकल को ले रहा हूँ, बहुत आसान सा न्यूमेरिकल है, इजी वे में आपको न्यूमेरिकल को समझना है, राइट? बहुत सिंपल सा न्यूमेरिकल है, ठीक है? और आसानी से आप इस न्यूमेरिकल को कर ले जाएंगे। क्वेश्चन लिखें, क्वेश्चन लिखना स्टार्ट करिए। एज सोन इन फिगर, सॉरी क्वेश्चन लिखिए, एज सोन इन फिगर, एज सोन इन फिगर कैलकुलेट ओवरऑल गेन विद फीडबैक विद टॉलरेंस लिमिट फॉर द गिवन, एज सोन इन फिगर लिख चुके हैं, ठीक है? ओवरऑल गेन विद फीडबैक विद टॉलरेंस लिमिट वेयर गेन विदाउट फीडबैक वैल्यू, गेन विदाउट फीडबैक वैल्यू इज गिवन एज 100 ± 10% फॉर फॉरवर्ड पाथ एंड फीडबैक फैक्टर वैल्यू फॉर एटीन्यूएटर इज 9/100 इज गिवन, ठीक है? कुछ ऐसे 4 ऑप्शंस थे। ऑप्शन ए था 10 ± 1%, ऑप्शन बी था 10 ± 2%, ऑप्शन सी था 1 ± 5%, ऑप्शन डी था 10 ± 10%, राइट? ऐसे कोई 4 ऑप्शंस थे। फिगर इस तरह से दिया था स्टूडेंट्स, मैं फिगर भी बना देता हूँ ताकि आपको थोड़ा पिक्चर क्लियर रहे।
लैंग्वेज मैंने इस तरह से लिख दी है स्टूडेंट्स, राइट, बहुत प्रॉपर लैंग्वेज नहीं लिखी है, आपको समझाने के हिसाब से मैंने लैंग्वेज लिख दी है ताकि आपको चीज़ें क्लियर रहें। चलिए, फिगर इस तरह से दिया था स्टूडेंट्स, इस फिगर में गेन लिखा हुआ था 100 प्लस माइनस 10%, इस पर एक फीडबैक पाथ था जिस पर एटीन्यूएटर पर लिखा हुआ था फीडबैक रेशियो 9/100, जिसको फीडबैक किया जा रहा है निगेटिव फीडबैक, ठीक है, ये फिगर था। देखो मैं इस क्वेश्चन को प्रॉपर वे में आपको समझा दूं, पहले क्या क्या बातें गिवन हैं, क्या क्वेश्चन कह रहा है, थोड़ा सा लैंग्वेज को अब आप समझेंगे। एज सोन इन फिगर, जैसा कि फिगर में बताया जा रहा है, कैलकुलेट ओवरऑल गेन विद फीडबैक। आपको क्या पता करना है स्टूडेंट्स, ओवरऑल गेन विद फीडबैक विद टॉलरेंस लिमिट, जो उसमें बदलाव हो रहा है वो भी पता करना है। इसका मतलब आपको फीडबैक के साथ आपको नॉर्मल गेन नहीं पता करना है स्टूडेंट्स, क्या पता करना है, देखो आपको पता करना है ओवरऑल गेन विद फीडबैक। इसका मतलब यू हैव टू कैलकुलेट, अगर मैं सॉल्यूशन की बात करूं तो आपको सॉल्यूशन में क्या पता करना है स्टूडेंट्स, सॉल्यूशन में आपको पता करना है ए एफ विद, बी क्लियर, टॉलरेंस लिमिट, क्योंकि यहां भी टॉलरेंस लिमिट दी है। टॉलरेंस का मतलब मैंने बताया तापमान में बदलाव की वजह से जो बदलाव आया, राइट, इसका मतलब ए एफ प्लस माइनस आपको पता करना है डी ए एफ, और परसेंटेज की बात हो रही है तो डी ए एफ बाई ए एफ, ये आपको पता करना है स्टूडेंट्स। तो अगर ये वैल्यू आपको पता करनी है, बी क्लियर, देखो अगर ये वैल्यू आपको पता करनी है स्टूडेंट्स, तो इस वैल्यू को पता करने के लिए मेरे को डी ए एफ भी पता करना होगा और ए एफ भी पता करना होगा, राइट, इतनी बात आप सभी समझ रहे हैं, अपने पास दोनों फार्मूले हैं, इत्मीनान से समझना। पहले क्वेश्चन में दिया क्या क्या है ये समझ लो। क्वेश्चन में सर्वप्रथम आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स गेन विदाउट फीडबैक, मतलब इस गेन की बात कर रहा है, और इस गेन को माय डियर स्टूडेंट्स हम केवल ए से रिप्रेजेंट करते थे। तो आप चेक करो ए का मान कितना दिया है 100, और प्लस माइनस 10% का मतलब, ये जो प्लस माइनस 10% है आप सभी जानते हैं, प्लस माइनस 10% का मतलब ये कौन सी वैल्यू है, ये बदलाव है डीए। परसेंटेज का मतलब किसके रिस्पेक्ट में, ए के रिस्पेक्ट में, तो परसेंटेज का मतलब डीए बाई ए, और किस में हम व्यक्त कर रहे हैं इसको, परसेंटेज में, तो ये परसेंटेज डीए बाई ए कितना दिया है 10%, तो ए है 100 प्लस माइनस 10% इसमें बदलाव दिया गया है, तो ए का एक्चुअल मान कितना है 100, जो बदलाव हो रहा है वो क्या है परसेंटेज डीए बाई ए, बी क्लियर। दूसरी बात, जो फीडबैक फैक्टर लगा है एटीन्यूएटर बोला जाता है, एटीन्यूएटर का मतलब गेन का मान हमेशा, यहाँ जो गेन होगा इसका मान हमेशा 1 से ज़्यादा होता है और फीडबैक फैक्टर वाले का मान हमेशा 1 से कम होता है, तो ये 9/100 है, जिसे हम बोलते हैं एटीन्यूएशन, कुछ वैल्यू को रिड्यूस करना, राइट, क्योंकि ये एक्चुअल सिग्नल से तुलना होती है, तो एक्चुअल सिग्नल से तुलना करने के लिए यहाँ जो सिग्नल आता है उस पर बीटा का मान 1 से कम रखा जाता है, और इसको हमें बढ़ाना होता है इसलिए इसका मान हमेशा 1 से ज़्यादा रखते हैं, राइट, तो इसीलिए इसका नाम होता है एटीन्यूएटर, जिसमें गेन की वैल्यू 1 से कम होगी। तो अगर आपसे बोला जाए फीडबैक फैक्टर कितना है, राइट, तो आप लिख सकते हैं फीडबैक फैक्टर, राइट, बीटा बराबर 9/100, राइट स्टूडेंट्स। अब देखो स्टूडेंट्स मैं क्या क्या कह रहा हूँ, सबसे पहले अगर मैं आपसे कहूँ ए एफ कैलकुलेट करो, तो ए एफ का मतलब क्या फार्मूला होता है निगेटिव फीडबैक में, ए एफ बराबर ए अपॉन 1+A β, वैल्यू पुट करते जाइए, ए का एक्चुअल मान कितना है 100 या 100 प्लस माइनस 10%, ए का एक्चुअल मान केवल 100 है, राइट, टॉलरेंस है 10% का जो बदलाव हो रहा है, तो अगर मैं बात करूँ ए के मान की तो ए की वैल्यू हो गई 100 अपॉन में 1+, ए का मान फिर से कितना है स्टूडेंट्स 100 इंटू बीटा का मान जरा चेक करें, फीडबैक फैक्टर कितना दिया है 9/100,
100 से 100 कट गया स्टूडेंट्स, आप देख पा रहे हैं 100 अपॉन 1 प्लस 9 मतलब 10, तो क्या ये वैल्यू 10 आ चुकी है? यस। अब आप चेक करो किन किन ऑप्शन में AF का मान 10 है। तो देखिए स्टूडेंट्स, अगर मैं बात करूं AF के मान की, तो AF का मान 10 यहां भी है, 10 यहां भी है, 10 यहां भी है, बात नहीं बनेगी। आपको पता ही करना होगा DAF by AF, वो भी परसेंटेज में, सभी ऑप्शन परसेंटेज में है। इसका मतलब मैंने आपको एक फार्मूला भी बताया था स्टूडेंट्स, अगर आपको रिकॉल हो, जस्ट 5 मिनट पहले हम लोगों ने एक फार्मूला देखा था, परसेंटेज DAF अपॉन AF का फार्मूला था। अभी आपने कैलकुलेट किया स्टूडेंट, DA by A अपॉन 1 प्लस A बीटा, अगर ये प्रतिशतता में है तो 100 का गुणा करने की जरूरत नहीं है। चलिए DA by A क्या क्वेश्चन में दिया है? यस। DA by A प्रतिशतता में कितना दिया है? प्लस माइनस 10%। तो लिखिए स्टूडेंट्स, प्लस माइनस 10% अपॉन 1 प्लस A बीटा, 1 प्लस A का मान 100, A का मान 100 है, बीटा का मान कितना है? यहाँ पर बार बार पढ़ा रहा हूँ स्टूडेंट्स, बीटा कितना है क्वेश्चन में? 9/100। तो 9/100, 100 से 100 कैंसिल हो गया, इसका मतलब प्लस माइनस 10% अपॉन में 1 प्लस 9 10, 10 बटे 10 का मतलब वैल्यू कितनी आ गई? प्लस माइनस 1%। कौन सा आंसर है ये? परसेंटेज डी ए एफ अपॉन ए एफ। थोड़ी देर पहले ये फार्मूला लिखवाया था। एक बात और, किसी को ये डाउट ना हो कि सर यहाँ 100 का गुणा क्यों नहीं किया, डी ए बाई ए क्वेश्चन में पहले से ही प्रतिशतता में दिया है, डी ए बाई ए पहले से ही प्रतिशतता में दिया है स्टूडेंट्स। सो दैट्स वाई हम लोगों ने जो वैल्यू लिखी है, आप उस बात को समझ जाएं, मैंने जो वैल्यू लिखी है वो परसेंटेज के लिए लिखी है, सेंसिटिविटी का डाटा भी मैंने डायरेक्ट परसेंटेज के लिए ही यूज़ किया है। तो यहाँ से आपके पास फाइनल आंसर क्या हो गया? देखिए आप, 10 प्लस माइनस 1%, प्लस माइनस 2, प्लस माइनस 5, प्लस माइनस 10, आपको पता है, क्वेश्चन देख कर ये पता चलना चाहिए, अगर फीडबैक सिस्टम के साथ AF में बदलाव पूछा जाएगा तो घट कर आएगा 1 प्लस A बीटा फैक्टर। तो अगर ये 1 प्लस A बीटा फैक्टर घट कर आएगा, तो पहले 10% था, तो अब अगर ये घट कर आएगा तो 10 से तो कम ही होगा। तो यहाँ स्टूडेंट्स आंसर आप निकाल चुके हैं 1%, तो आंसर शुड बी प्लस माइनस 1%, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो यहाँ अगर आपसे पूछा गया इसका प्रॉपर सॉल्यूशन, तो मैंने आपको बताया AF प्लस माइनस DAF बाई AF, इन परसेंटेज आपको पता करना है। तो यहाँ से AF का मान कितना था, आपने कैलकुलेट किया 10, प्लस माइनस DAF बाई AF प्रतिशतता में कितना आया? 1%। तो ये आपका आंसर हो गया, राइट। थोड़ा सा क्वेश्चन अभी नया है आपके लिए, लेकिन स्टूडेंट्स अगर आप दोनों फार्मूले जानते हैं जो मैंने ड्राइव किए हैं, तो उसके बाद क्वेश्चन में आपको कुछ भी नया लगने वाला नहीं है। बहुत इजी वे में आप इस क्वेश्चन को समझ सकते हैं, कुछ भी नया मैंने नहीं किया स्टूडेंट्स, केवल और केवल जनरल डाटा को लिखते हुए इस क्वेश्चन को मैंने कंप्लीट करा दिया है, सो दैट आप आसानी से इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर पाए, राइट। एक बहुत छोटा सा क्वेश्चन मैं और लूँगा, जिसमें 100% स्टूडेंट्स, अगर मैं बात करूं इस चैप्टर से, एक क्वेश्चन डेड श्योर होता है, अगर फीडबैक एम्पलीफायर एग्जामिनर ने उठाया है तो एक क्वेश्चन यहां से होता ही होता है, या तो ऐसा क्वेश्चन होगा, हालांकि कंट्रोल सिस्टम में प्रॉपर स्टेबिलिटी पढ़ते हैं, सेंसिटिविटी पढ़ते हैं, लेकिन यहां जो ज़रूरत है वो दो फार्मूले आप समझ लें, एग्री माई डियर, ये दो फार्मूले आपको क्लियर होने चाहिए स्टूडेंट्स। कौन कौन से? प्लस माइनस डी ए एफ बाई ए एफ वाला परसेंटेज में, और एक फार्मूला जनरल वाला, क्लियर। ये दो फार्मूले अगर आपको पता है तो आप आसानी से किसी भी क्वेश्चन को स्टार्ट कर सकते हैं। एक अगला क्वेश्चन लिखें यहां से। एक बार मैं फिर से पूछ रहा हूं स्टूडेंट्स, लैंग्वेज सभी को क्लियर है, सभी इसका मतलब भी समझ रहे हैं कि डी ए एफ बाई ए एफ का मतलब क्या है? डी ए एफ का मतलब है चेंज इन गेन, किसके सापेक्ष? ए एफ के सापेक्ष। तो AF के सापेक्ष जब ये गेन लिखोगे तो प्रतिशतता का मतलब परसेंटेज में लिख रहे हो, राइट। तो ऑप्शन परसेंटेज में थे, उसी के हिसाब से कैलकुलेशन हुई है, और ये डाटा ऊपर लिखा हुआ था। टॉलरेंस का मतलब क्या है? जो इसके साथ बदलाव हो रहा है, राइट। चलिए
एक नेक्स्ट क्वेश्चन आप लिखें और घबराना बिल्कुल नहीं स्टूडेंट्स, आसानी से आप चीज़ें कर पाओगे। थोड़ा सा भी आपके लिए नया है ये चैप्टर, ये चीज़ें कम पढ़ी हैं आपने, बट मुझे लगता है आप इजी वे में इसको कर पाएंगे। ठीक है, चलिए अब मैं आपको एक बहुत सिंपल सा बेसिक क्वेश्चन करवा रहा हूँ स्टूडेंट्स, और ये क्वेश्चन मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर इस चैप्टर से क्वेश्चन बनता है स्टूडेंट्स, एक तो जो मैंने आपको टेबल बनवाई थी वहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है। अगर टेबल से क्वेश्चन ना बना, न्यूमेरिकल पॉइंट में अगर एग्जामिनर गया तो एक ऐसा क्वेश्चन बनेगा, और डेरिवेशन जो मैंने इससे पहले कराया उसको एक से दो बार सॉल्व करें, राइट, डेरिवेशन को एक से दो बार आप हल करें ताकि आप प्रैक्टिस में आ जाएं, और दो फार्मूले जो बन रहे हैं सेंसिटिविटी फैक्टर और डीसेंसिटिविटी फैक्टर, दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, अपोजिट होते हैं। ठीक है, तो आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। एक मैं अब आपको बहुत अच्छा क्वेश्चन करा रहा हूँ स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन एग्जाम में बनता ही बनता है, हालांकि इसको जब मैं आरसी कपल्ड एम्पलीफायर पढ़ाता हूँ तब कराता हूँ, लेकिन जब एम्पलीफायर आप पढ़ चुके हैं नेगेटिव फीडबैक, तो मुझे लगता है ये क्वेश्चन भी आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, एक एम्पलीफायर है जिसका गेन आपको दिया है, क्वेश्चन लिखें, इन एन एम्पलीफायर गेन विदाउट फीडबैक, स्टूडेंट इनकी हिंदी आप पहले निकाल लिया करो, क्वेश्चन की हिंदी आप अपने आप पढ़ते समय रीड आउट करते समय समझ लिया करो। इन एन एम्पलीफायर गेन विदाउट फीडबैक इज गिवन एज 1000 एंड इट इज गिवन दैट its lower cutoff frequency, its lower cutoff frequency and higher cutoff frequency value is lower cutoff frequency and higher cutoff frequency वैल्यू इज, एक दिया था 20 किलो हर्ट्स और एक दिया है, सॉरी, एक 2 किलो हर्ट्स लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी दिया है 20 किलो हर्ट्स, ये ठीक है, 2 किलो हर्ट्स एंड 20 किलो हर्ट्स, देन कैलकुलेट न्यू लोअर कट ऑफ, न्यू लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी इफ निगेटिव फीडबैक, इफ निगेटिव फीडबैक सिस्टम इज यूज, सिस्टम इज यूज विद वन परसेंट फीडबैक फैक्टर इज यूज, विद 1% फीडबैक फैक्टर, फीडबैक फैक्टर कितना दिया है 1%। देखो इसका क्या मतलब है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, राइट, ऑब्जेक्टिव के लिए अच्छा क्वेश्चन है, और इसके एक चार ऑप्शन भी मैं लिख सकता हूँ, लेकिन ऑप्शन की ज़रूरत नहीं है, आप क्वेश्चन की लैंग्वेज समझो। एक एम्पलीफायर है जिसका गेन दिया है, इन एन एम्पलीफायर गेन विदाउट फीडबैक, मतलब बिना फीडबैक के जो गेन दिया है
वो ए कहलाएगा या ए एफ, वो ए कहलाएगा, राइट। तो सबसे पहले जो जो डाटा आपको दिया है वो आप लिखते चलें। तो आपको सबसे पहले माय डियर स्टूडेंट्स बोला गया ए की वैल्यू क्या है, 1000। कंफर्टेबल। नेक्स्ट फिर आपसे बोला गया इट इज गिवन दैट इट्स लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। आप नेटवर्क पढ़ चुके हैं स्टूडेंट्स, आपने देखा था हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी और लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी के डिफरेंस को हम बैंडविड्थ कहते हैं। तो आपके पास दो तरह की फ्रीक्वेंसी दी गई हैं, एक FL और एक FH। लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है 2 kHz और अपर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है 20 kHz। तो देखिए आप, अगर मैं लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी की बात करूं, इसका मान दिया गया है 2 kHz और हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी का मान दिया गया है 20 kHz, राइट। फिर आपसे बोला गया यदि, देखो इधर, देन कैलकुलेट न्यू लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी इफ निगेटिव फीडबैक सिस्टम इज यूज्ड विद 1% फीडबैक फैक्टर। तो देखिए स्टूडेंट्स, आपसे पूछा गया नई लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी FL स्टार क्वेश्चन मार्क, नई हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी FH स्टार, ये दोनों आपसे पूछा गया है, राइट। और बोला गया फीडबैक फैक्टर जो बीटा है 1% है। तो अगर मैं परसेंटेज को ओपन करूं तो इसका मतलब परसेंट को हटाने के लिए हमें किससे डिवाइड करना होगा, 100 से। तो ये कितनी वैल्यू हो गई, 1/100, जिसे हम बोल सकते हैं 0.01। तो बीटा का मान परसेंट में लिखकर दिया है, तो इसलिए अगर बीटा को नॉर्मल वे में लिखें तो 1% का मतलब परसेंट हटाने के लिए 100 से डिवाइड, तो 0.01। क्लियर। चलो स्टूडेंट्स, मैं क्वेश्चन पर स्टार्टिंग करने जा रहा हूँ। थोड़ा सा आप क्वेश्चन का इसेंस समझें। देखो क्या होता है, मैंने आपको एक क्लास बिफोर फ्रीक्वेंसी रिस्पांस पढ़ाया था, वहां मैंने बोला था गेन बैंडविड्थ, गेन बैंडविड्थ प्रोडक्ट शुड बी कांस्टेंट, शुड बी कांस्टेंट, ठीक है। अब मेरी बात समझना स्टूडेंट्स, पहले हमारे पास एक ग्राफ था गेन वर्सेस फ्रीक्वेंसी का, और मैं फिर से कह रहा हूँ स्टूडेंट, घबराना बिल्कुल नहीं है, आप पहली बार पढ़ रहे हो, थोड़ा सा टाइम लगेगा, टाइम दें लेक्चर को, एक बार की जगह दो बार देखें, क्योंकि स्टूडेंट्स इन टॉपिक को अगर स्किप करेंगे तो फिर दिक्कत होगी, राइट। चीज़ें नई हैं लेकिन लेक्चर की अगर कंटिन्यूटी से पढ़ रहे होंगे आप, है ना, तो अगर आप कंटिन्यूटी से पढ़ रहे हैं, आपने कोई भी लेक्चर मिस नहीं किया, तो स्टूडेंट सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। ये गेन बैंडविड्थ का मैंने आपको एक ग्राफ बताया था, गेन वर्सेस फ्रीक्वेंसी। तो देखो अगर अपने पास गेन ओपन लूप की बात करूं, देखो पहले मैंने जो गेन दिया था ए, इसमें फीडबैक की बात नहीं की, तो ये गेन ज़्यादा होगा। तो जब गेन ज़्यादा था, मैं मान लेता हूँ ये गेन ए था, उस समय मेरे पास रिस्पांस कुछ ऐसा आ रहा होगा स्टूडेंट्स, राइट, रिस्पांस कुछ ऐसा आ रहा होगा। इसका मतलब ये गेन क्या था, ये गेन ए था, उस समय इसकी जो सबसे लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी होगी उसे क्या बोलते हैं, FL, और जो कट ऑफ हायर कट ऑफ होगी FH। आप जानते हैं इन दोनों का अंतर क्या कहलाता है, बैंडविड्थ। मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, पहले गेन A1 था, ए था, ठीक है, ए जब गेन था तब इसकी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी यहाँ थी, हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी यहाँ थी। लोअर कट ऑफ का मतलब इससे नीचे की फ्रीक्वेंसी पर रिस्पांस 0, हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी का मतलब इससे ऊपर की फ्रीक्वेंसी पर रिस्पांस 0। तो FH से ऊपर नहीं जा सकते, FL से नीचे नहीं जा सकते, इनके बीच में ही रिस्पांस आएगा, राइट। चलो अब जब आपने निगेटिव फीडबैक लगाया, देखो स्टूडेंट्स कहीं लिखा होगा इफ निगेटिव फीडबैक सिस्टम, जब आपने निगेटिव फीडबैक लगाया होगा तो गेन पहले ए था, अब घटा होगा, अगर गेन घटा, मैं इसको ग्रीन कलर से बना रहा हूं, तो गेन घटकर ए ऑफ एफ कुछ नीचे आया होगा, गेन घटा, तो गेन घटेगा तो बैंडविड्थ बढ़ेगी, मतलब लगभग ये रिस्पॉन्स कुछ ऐसा आएगा, राइट।
और एफ एच इसका कुछ बढ़ा होगा। तो हम दो चेंजेस देख रहे हैं स्टूडेंट्स। हमने देखा कि बैंडविड्थ बढ़ने के लिए एफ एच का जो मान है वो बढ़ गया, तो एफ एच स्टार नया हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी बढ़ गई, और जो लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी थी वो और पीछे चली गई, मतलब और कम हो गई। क्यों? अगर ये फ्रीक्वेंसी है, आवृत्ति है स्टूडेंट्स, अगर यहां मान लीजिए 100 हर्ट्ज है तो यहां 200 होगा, यहां 300, यहां 400, तो FL की वैल्यू अगर और पीछे चली गई, क्योंकि इस बार FL कुछ यहां होगा, तो बताइए ये FL स्टार हो गया। ओवरऑल सोचना, क्या इस बार बैंडविड्थ बढ़ी है घटी है? बैंडविड्थ की वैल्यू क्या हो गई स्टूडेंट्स? बढ़ गई, नई बैंडविड्थ दिस हो गई। तो आपको याद होगा मैंने आपको पढ़ाया था गेन बैंडविड्थ प्रोडक्ट कांस्टेंट होता है। बताओ स्टूडेंट, पहले गेन ए था तब बैंडविड्थ कम थी, अब जब मैंने गेन घटाया क्योंकि निगेटिव फीडबैक सिस्टम यूज किया तो गेन घटा तो बैंडविड्थ बढ़ी। बैंडविड्थ बढ़ने से क्या बढ़ा और क्या घटा? एफ एच की वैल्यू और आगे गई, तो एफ एच स्टार, माई डियर स्टूडेंट्स, एफ एच स्टार बढ़ा है, एफ एच स्टार बढ़ा है। नाउ सी, एफ एल की वैल्यू, एफ एल स्टार जब पहुंचा तो ये पीछे आया है या आगे गया है? पीछे आया है, ये वैल्यू घटी होगी, इसका मतलब एफ एल स्टार घटा है। और मैं स्टूडेंट्स जैसे जैसे निगेटिव फीडबैक पढ़ा रहा था तो आपको अब क्लियर हो जाना चाहिए मैं किन दो नए फार्मूले की बात कर रहा हूँ। हालांकि ये RC कपल्ड एम्पलीफायर में प्रॉपर पढ़ाते हैं, लेकिन अभी आपको इस न्यूमेरिकल को कराने के लिए मैं क्या बता रहा हूँ समझना स्टूडेंट्स। आपके पास ये जो हायर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी है एफ एच, और स्टार का मतलब क्या है? विद फीडबैक, या तो एफ एच ऑफ एफ लिख लें आप, एफ एच स्टार बढ़ा है, और ये कितने फैक्टर से बढ़ा होगा? 1+A β फैक्टर से बढ़ा है स्टूडेंट्स, दैट इज द की पॉइंट। इसी तरह अगर लोअर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी घटी है तो इसका मतलब एफ एल स्टार घटने का मतलब जो पुराना लोअर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी था उससे कितने फैक्टर से घटा होगा? 1+A β फैक्टर से। बस ये दो बातें आपको समझानी थी, इसका मतलब इस चैप्टर में आपको ये दो फार्मूले और ऐड कर लेने हैं, एक हायर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी और एक लोअर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी। आपको पता चल रहा है स्टूडेंट्स गेन निगेटिव फीडबैक में हमेशा ध्यान देना निगेटिव फीडबैक में गेन घटेगा, और गेन घटेगा तो बैंडविड्थ बढ़ेगी, बैंडविड्थ बढ़ने का मतलब लोअर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी और घटेगी, हायर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी और बढ़ेगी। क्योंकि अगर यहाँ 0 हर्ट्ज है, यहाँ 50, यहाँ 100, यहाँ 200, यहाँ 300, तो समझना पहले अगर यहाँ 100 था तो ये 100 से अगर पीछे जा रहा है तो ये 50 ही बचेगा, मतलब ये घट रहा है, और अगर यहाँ स्टूडेंट 200 था और इससे ये आगे आ रहा है तो ये बढ़ रहा है, तो ये कितना हो गया? 300। तो इसका मतलब एफ एच स्टार बढ़ेगा, एफ एल स्टार घटेगा, कितने फैक्टर से? 1+A β फैक्टर से। आई थिंक ये फार्मूला अपने आप आपको अब याद रहेगा, राइट? तो स्टूडेंट्स फीडबैक सिस्टम में बीटा का मान पता है, ए का मान पता है, एफ एल का मान पता है, एफ एच का मान पता है, आसानी से सारी कैलकुलेशन आप कर लोगे। मेरे को ऐसा लगता है इसमें ज़्यादा चीज़ें बताने के लिए नहीं है, एक बार वैल्यू पुट करते हैं। चलिए एफ एच का मान क्वेश्चन में कितना दिया है? पुरानी हायर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी 20 kHz इंटू 1+ ए का मान कितना दिया है? 1000 इंटू बीटा का मान कितना था परसेंट में? 1% परसेंट ओपन कर लें तो 0.01, या फिर 1/100 ही लिख लो इसको, ठीक है? तो 100 का मतलब कट गया, 10+1=11, 11 × 2 का मतलब 22, तो 220 kHz आंसर आ गया। 220 क्या आ गया अपने पास? kHz, और ये कौन सी वैल्यू है स्टूडेंट्स? एफ एच स्टार, ये बढ़ गया, और एफ एल स्टार घटा होगा, तो एफ एल की वैल्यू कितनी थी जरा देखो, एफ एल की वैल्यू क्वेश्चन में आपको दी है 2 kHz, तो 2 किलो को 2000 Hz भी लिख सकते हैं, अपॉन 1+ ए का मान कितना है? 1000, बीटा का मान 1/100, यस,
तो यहाँ से 10 और 1 11, 11 से भाग देंगे, लगभग ये 182 हर्ट्ज़ के आसपास आएगा, चेक कर लेना आप लोग, राइट। तो 182 हर्ट्ज़ लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी घट गई, हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी बढ़ गई, और हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी बढ़नी ही चाहिए, निगेटिव फीडबैक सिस्टम से हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी और लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या होगी, घटेगी। तो आपसे कभी स्टूडेंट्स एग्जामिनर अगर ऑब्जेक्टिव में पूछे निगेटिव फीडबैक सिस्टम पर, आपने अगर निगेटिव फीडबैक सिस्टम यूज़ किया तो बैंडविड्थ बढ़ती है घटती है, तो बताइए स्टूडेंट्स बैंडविड्थ बढ़ेगी। बैंडविड्थ बढ़ने का मतलब, बी क्लियर, बैंडविड्थ बढ़ने का मतलब एफ एच स्टार बढ़ेगा, एफ एल स्टार घटेगा। तो एफ एच स्टार का फार्मूला एफ एच वन प्लस ए बीटा, एफ एल स्टार का फार्मूला एफ एल अपॉन वन प्लस ए बीटा। तो ये क्वेश्चन स्टूडेंट्स एक्चुअल में हम लोग आर सी कपल्ड एम्पलीफायर में पढ़ते हैं, जहाँ वहाँ फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स पढ़ते हैं, लेकिन जब मैं इतना पढ़ा चुका हूँ तो मुझे लगता है ये दो फार्मूले भी क्यों आपसे छूटें, यहाँ पर भी ये फार्मूला आप यूज़ कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये मेरा डिस्कशन था, बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, और इस डिस्कशन के बाद अब नेक्स्ट मुझे मिक्सर और सैम्पलर बताना है, जो कि बिल्कुल नया है आपके लिए। लेकिन मैं फिर से कह रहा हूँ, अगर आप ये पार्ट समझ गए हैं तो वो पार्ट बहुत आसान है, और मैं कुछ ऐसी ट्रिक दूंगा उसमें कि उस ट्रिक से आप आसानी से उस चैप्टर को समझ जाएंगे, ट्रिक के साथ उस चैप्टर को अब हम पढ़ेंगे, राइट। तो मैं स्टूडेंट्स आज का लेक्चर यहीं पर फिनिश करता हूँ, नेक्स्ट लेक्चर में सैम्पलर और मिक्सर के साथ मैं चीज़ें स्टार्ट करूँगा। ओके गाइज, थैंक यू वेरी मच।